भाई यस यस कहाँ वेर आ यस रही आई एम रेडी। हो? या आर्टिकल 12 इज इम्पोर्टेंट। या यस 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 क्वेश्चन आया है ऑन आवर आर्टिकल 8-12। ठीक है, क्वेश्चन इज हैज बीन आस्क्ड, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। ओके, 2018 में क्वेश्चन आ रखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इंपोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो वी हैव टू नो अबाउट आर्टिकल 12 एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ आर्टिकल 12, हाउ इट हेल्प्स इन इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। ओके, कैसे ये मदद करता है, कैसे इसमें फंडामेंटल राइट का क्या लिंक है, इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट पे मैं बात करना आर्टिकल 12 से रिलेटेड। ठीक है, इसी से लिंक्ड और एक क्वेश्चन था, इसी में आया था क्वेश्चन, डिस्कस विदर सोसाइटी एंड ऐसे करके आया है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे कि जो यूनिवर्सिटी अगर कोई स्टेट के अंदर आती है, ठीक है, आर्टिकल 12 में जो है ना स्टेट, तो उसके अंडर में अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट, तो क्वालिफाई करती है, उसके डिफिनेशन के अंडर फॉल करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी का सेटअप की जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट का होता है, तो वो क्या आर्टिकल 12 के अंदर फॉल करेगी कि नहीं करेगी, तो वो सब चीज है। ठीक है, क्या फॉल करेगा क्या नहीं फॉल करेगा, इससे रिलेटेड रिगार्डिंग केसेस, केस लॉज भी हैं इसमें बहुत। ठीक है ना, कौन कौन सा है केस लॉ, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, केस लॉ का नाम क्या क्या है। सोम प्रकाश रेखी, हाँ सोम प्रकाश रेखी, सोम प्रकाश रेखी, देयर आर टोटल 8 केसेस इन न्यू न्यू कोर्स मटेरियल एंड 6, 7, 8 वाज गिवन टू मी जत्यपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बीसीसीआई एंड जैनेट जयपाल। वेरी इजी केसेस इट वाज गिवन इन दुक्की, सो आई रीड फ्रॉम दुक्की। फर्स्ट यू स्टार्ट योर केसेस। यस यस या ओके, आई विल कंटिन्यू इट एक्जेक्टली, आई विल सम अप एट लास्ट द सीरीज, द क्या बोलते हैं उसको, द सीरीज एक्जेक्टली। देखो, वी हैव लॉट ऑफ केसेस हो इन आर्टिकल 12, बट हाउ टू रिकलेक्ट ऑल दिस केसेस इन अ सीरीज इन अ कंसिक्वेंस। ओके, दैट व्हिच केस वुड बी कम फर्स्ट, आरडी सेट्टी वाला जो है केस ना, उसके अकॉर्डिंग कौन सा जजमेंट पहले आया। ठीक है, से आप
जो आडी सट्टी वाला केस सबसे पहले आया है, आडी सट्टी वाला जो केस है, उसके बाद जो ये है संभाजी तिवारी वाला केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 5 जज का बेंच था ये केस, ठीक है। उसके बाद आया अजहासिया वाला केस, और उसके बीच में सॉरी संभाजी के बाद आया था सोम प्रकाश रेखी, तो डायरेक्ट सोम प्रकाश रेखी नहीं आया था, इसको समझना होगा थोड़ा, ठीक है। ये मैम बताई थी हम लोग को जो ली थी क्लास अंजू सिन्हा मैम, उसमें हम तो बहुत लेट से क्लास लिए थे, तो हमको ये बस ये पता है कि जो आर डी सेट्टी पहले आप बताइए कोई अगर है, पहले आपको है ना आर डी सेट्टी दिया गया ना राहुल भाई, तो ये आर डी सेट्टी मेरे पास है ना, हमको हमको बताना आर डी सेट्टी, तो हमको हम बताते हैं पहले, ठीक है ना, क्या क्या केस कहाँ कैसे लिंक है इसका, ठीक है। देखिए आरडी स्टेट सिटी तो इसमें दिख नहीं रहा यार, आरडी सिटी देखिए वही तो सिक्वेंस, उसको समझना है ना, नहीं, तो आरडी सिटी नाम ही नहीं दे रखा है इसमें। आर डी सेट्टी नहीं, वो जो है ना जी बसी रेड्डी, अच्छा जी बस्सी रेडी है ना, वही तो कह रहा हूँ। वही है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रॉप एयरपोर्ट, नहीं नहीं सॉरी ये नहीं है, इसके अंदर मिलेगा आपको, सॉरी इसमें नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर मिलेगा आपको, केस के अंदर में मिलेगा, ठीक ना। अच्छा तो देखिए मैंने होता क्या ना, देखिए समझाते हैं, ठीक है। देखिए स्टेट का डेफिनेशन तो समझे आप कि जो लिखा हुआ है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द टर्म स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा इसमें, लेजिस्लेचर भी आ जाएगा यूनियन स्टेट का, और ऑल लोकल और अदर गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी है, ठीक है ना, वो सब आ जाएगा, है ना, क्या क्या आ जाएगा, जितना एग्जिस्टिव लेजिस्लेचर है यूनियन का और लोकल अदर अदर अथॉरिटी जो भी टेरिटोरी के विदिन है या गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में है, ठीक है। ये चीज देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ मतलब जो भी, हाँ ये है कि गवर्नमेंट है पार्लियामेंट जो इंडिया का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये ठीक है। स्टेट में क्या क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज इंक्लूसिव एंड प्रोवाइड्स दैट स्टेट इंक्लूड्स व्हाट द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। सेकंड पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ इच स्टेट, ठीक है, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर स्टेट का दोनों जो पार्ट है, एग्जीक्यूटिव पार्ट भी और लेजिस्लेचर पार्ट भी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, जितना भी लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपलिटीज वगैरह होता है ना, म्यूनसिपलिटीज कम्युनिटीज कम्युनिटी जो होता है, ठीक है, तो जितना भी लोकल बॉडी है और जो अथॉरिटी है टेरिटरी ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा समझिएगा जब पढ़ेंगे ना ये, तो इसमें आपको दो चीज मिलेगा स्टेट के डिफाइंड में, कि जो स्टेट जो है ना क्रिएटेड बाय स्टैचू होता है, क्रिएटेड बाय स्टैचू, स्टेट का वो एजेंसी या बॉडी जो स्टैचू द्वारा क्रिएट किया गया है, जैसे कि ONGC सुने होंगे आप, ONGC होता है, LIC होता है, ठीक है, या IFC कोई सब पता है ना, ये कंपनी सुने हैं आप, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होता है, PSUs वगैरह, तो ये सब क्रिएटेड बाय स्टैचू होता है, और एक होता है क्रिएटेड अंडर द स्टैचू, ठीक है, जो स्टैचू के अंडर में कौन क्रिएट होता है, जो कि इतना, चलिए वाह वाह सही, अब लग रहा है फील आ रहा है। अच्छा वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल भाई आप हैं कहाँ भाई, पुलिस स्टेशन में हैं या रूम पे हैं। रूम पे अभी 2 बजे से है ना, वहां पे जाना। अच्छा 2 बजे आपका, अच्छा, हमको लगा कि आप वहाँ पुलिस स्टेशन से कहीं, तो ऑनलाइन नहीं ठीक है सही है। तो देखिए अगर किसी के पास अगर अगर ज्यादा कंक्लूजन मतलब आप खुद से समझना भी है, तो आप प्रीवियस अगर आपके पास है तो प्रीवियस भी निकाल सकते हैं, उसमें अच्छे से दिया हुआ है कि सीरीज में क्या क्या कैसे कैसे केस आगे बढ़ा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो है ना इस बार का थोड़ा जो आर्टिकल 13 है 12 है 13 14 15 16 तक, पूरा 16 तक पूरा कंफ्यूजन है पूरा, अगर इसको एक एक पार्ट में मतलब कि अगर इसको क्रिटिकली नहीं समझेंगे ना, माइन्यूटली नहीं समझेंगे, माइन्यूटली तो कंफ्यूजन चाहे क्रिएट होगा चाहे कंडीशन क्रिएट होगा, ठीक है, इसको माइन्यूटली समझने के लिए आप अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए आप लोग के पास है तो, उसमें थोड़ा नहीं सीरीज तो में दिया हुआ है क्या दुखी क्या में दे दुखी रखा है, जो में दयाराम आपके सिप्पी है ना। पास देखिए PDF है तो आप लोग भेज दीजिए, मैं शॉप कर दूँ, अभी मेरे पास कलेक्टेड नहीं। अभिषेक भाई, हाँ हाँ बोलिएगा, ये जो पहला केस है ना, सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ हाँ इस लेकिन केस के बीच में इसका मेंशन हाँ है हाँ रमन्ना दयाराम सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस हाँ केस यही की वाला बात कर केस रहा हम हूँ। बोल रहे हैं, रमन्ना दयारान सेट्टी वाला जो केस था वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस केस में क्या बोला गया हम बताते हैं अभी, पहले हम सोच रहे हैं स्टार्टिंग से जो बता रहे हैं स्टेट का डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, इसको समझे दो चीज को, क्रिएटेड बाय स्टैचू अलग होता है जो लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, लेकिन क्रिएटेड अंडर द स्टैचू वो अलग होता है जो एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है, वो अलग होता है। इसमें क्या था इजस, अच्छा इजस इजस्टम जनरी से भी एक आया है टर्मिनोलॉजी इसमें, ठीक है, इजस्टम जनरी क्या होता है बताते हैं पहले, समझेगा जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होता है ना उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, जो भी वॉलेट करेगा फंडामेंटल राइट उसको, तो देखिए क्या है, लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर रहता है ना उसके रिलेटेड कोई इशू नहीं था, तो एक्सप्रेशन जो लिखा है इसमें लोकल और है ना अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड काउज अ गुड डील ऑफ डिफिकल्टी एंड जुडिशियल ओपिनियन हैज अंडरगॉन चेंज ओवर टाइम, देखिए बता रहा है कि ऐसा कोई वो नहीं है,
मतलब अदर अथॉरिटी जो लिखा है ना इसमें, अदर अथॉरिटी देखिए, अनलेस लिखा है ना, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, यहाँ लिखा है अदर अथॉरिटी और लोकल और, लास्ट में लिखा अदर अथॉरिटीज, हाँ और अदर अथॉरिटीज, तो ये सब तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए अदर अथॉरिटीज हैज नॉट डिफाइंड नीदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी स्टैट्यू, ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ना ही किसी लॉ में डिफाइंड है कि अदर स्टैट्यू है क्या। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो सबसे पहले एक्सप्रेशन जो अदर अथॉरिटी डिफाइन किया गया था, इंटरप्रेट किया गया था मद्रास हाई कोर्ट में किया गया था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई वाला केस था, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई वाले केस में पहले सबसे पहले इंटरप्रेट किया गया, थोड़ा इंटरप्रिटेशन बताया गया कि हाँ अदर अथॉरिटीज ये हो सकता है। ठीक है, जो सबसे पहले ये वर्ड है लोकल और अदर अथॉरिटीज, इसी को बोला गया इजिस्टम जनरिस। ठीक है, इट वाज हेल्ड दैट द वर्ड लोकल और अदर अथॉरिटी मस्ट बी कंस्टिट्यूड इजिस्टम जनरिस, बोला गया इसको विद द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड सो कॉन्स्टिट्यूट कैन ओनली मीन मीन अथॉरिटीज एक्साइजिंग गवर्नमेंट, मतलब ऐसा कोई अथॉरिटी जो लोकल के अलावा या जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है इसके अलावा अगर कोई ऐसा अथॉरिटी जो काम कर रहा है गवर्नमेंट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसको कहा जाएगा अदर अथॉरिटी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लोकल और अदर अथॉरिटी कौन होगा, उसको ऐसे कंस्टिट्यूट किया गया इजिस्टम जनरिस और जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है एज लेजिस्लेचर के साथ, ठीक है, जो मतलब काम कर रहा हो उसके अलावा जो लोग एग्जिस्टर एग्जीक्यूटिव उसके अलावा अगर कुछ कोई काम जैसे कि पीएसयूज वगैरह क्या होता है जिसे बताया आपको फिटेड बाय स्टेचू में, ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हो गया, आईएफसी हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब भी क्या हो गया अदर अथॉरिटी में तो आ गया। ठीक है, तो वो चीज है, तो मद्रास हाई कोर्ट, लेकिन जो डिसीजन था मद्रास हाई कोर्ट का वो एक्सेप्ट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस चीज को समझिएगा। तो फिर बाद में फिर एक नेक्स्ट जजमेंट आया, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट जजमेंट हैज बीन रिवोक्ड देन द नेक्स्ट जजमेंट कैम एंड दैट जजमेंट नेम इज उजम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी फिर रूल ऑफ इजस्टम जनरिस को बताया गया कि रूल ऑफ इजस्टम जनरिस क्या होता है, तो इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ इजस्टम जनरिस कुड नॉट बी अप्लाइड इन इंटरप्रेटिंग द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी अकरिंग इन आर्टिकल 12, बोला गया आर्टिकल 12 में हम इजस्टम जनरिस जो ये रूल है इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इजस्टम जनरिस के रूल को हम यहां अप्लाई नहीं करेंगे। किस बार केस में बोला गया, उजम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 में दे रखा है अदर अथॉरिटी का जो हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं अदर अथॉरिटी को, उसमें ये चीज इस तरीके से बोला गया। तो कोर्ट क्या बोला, कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो कॉमन जेनस रनिंग थ्रू दिस नेम्ड बॉडीज नॉट दिस बॉडी कैन बी प्लेस्ड इन वन सिंगल कैटेगरी ऑन रेशनल बेसिस, मतलब कोई भी एक रैशनल हमको अप्रोच नहीं मिल पा रहा जिस बेसिस पे हम इसको हम रखें, ठीक है, कॉमन जेनस हो हमारा कुछ, ठीक है, इस पे हम ये हम इस बॉडी को हम समझे कि हाँ ये बॉडी का नाम इस तरीके से हम दे सकते हैं। फिर तीसरा केस आया राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। अच्छा आपको ये सब केस कहाँ मिलेगा पता है, जब आप केस में निकालेंगे ना, पहला जो केस है इस सब में दिया है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला केस जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, साइड किया है पहला वाला केस निकाल रहे हैं आप लोग, पहला वाले केस में देखिए ना सोम प्रकाश रेखी वाला निकालिए, पैराग्राफ नंबर 45 निकालिए सर। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है, पैराग्राफ नंबर 45 दीजिए ना आपको, पैराग्राफ नंबर 45 प्लीज ओपन पैराग्राफ नंबर 45। यस प्लीज सी, यहाँ पे एक सिटी मोड वाला केस है राजस्थान वाला, यहाँ पे निकल गया। हाँ हाँ यही है, देखिए ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं कि अदर अथॉरिटीज का इंटरप्रिटेशन, कि अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या हुआ, इसका क्या 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 समझे हम, इंक्लूड होता है उसमें। हाँ इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा और क्या है इसका मतलब, क्या इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो जो समझे यही तो समझना है, मैं तो इसमें यही चीज था आर्टिकल 12 में जो समझना है ना वो यही है, तो वही बोल रहा है एक्सप्रेशन लिखा है ना अदर अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12 हैज बीन हेल्ड बाय दिस कोर्ट इन राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में, क्या बोला गया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का जो केस था 1967 में, बोला गया टू बी वाइड एनफ टू इंक्लूड विद इन इट एवरी अथॉरिटी क्रिएटेड बाय स्टैच्यू, लिखा है ना देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए, क्रिएटेड बाय स्टैच्यू ऊपर में देखिए इंपोर्टेंट है ये, क्रिएटेड बाय अच्छा क्रिएटेड बाय स्टैच्यू लिखा है ना, उसको समझिए थोड़ा क्या है, मतलब हम जो बताए अभी आपसे, क्रिएटेड बाय स्टैच्यू मतलब क्या हुआ, जो अभी हम बताए ओएनजीसी जैसे है कोई कंपनी है ना, ओएनजीसी एलआईसी पीएसयू जितना होता है या आईएफसी कुछ करके, ठीक है, भेल, तो ये सब आ गया क्रिएटेड बाय स्टैच्यू। यही बोला गया इसमें कि
जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है अपेक्स कोर्ट का, उसने क्या बोला कि जो अदर अथॉरिटी इतना वाइड है कि इसमें सब आ जाएगा, एवरी अथॉरिटी, जो हर एक अथॉरिटी आ जाएगा जो स्टेच्यू के द्वारा क्रिएट किया गया है, या ऑन विच पावर कन्फर टू कैरी आउट गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन, जिसको पावर दिया गया है कि वो गवर्नमेंटल का मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंटल पावर वो कन्फर करेगा, ठीक है, या क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन वो कन्फर करेगा, और फंक्शनिंग जो भी होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो भी करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ही होना चाहिए। इसमें थोड़ा डिफाइन किया गया अदर अथॉरिटी क्या हो सकता है, वैसा अथॉरिटी जो क्रिएटेड बाय स्टेच्यू होगा, ठीक है, लेकिन जो भी फंक्शन करेगा वो टेरिटरी के विदिन ही करेगा और उसमें पूरा कंट्रोल होगा किसका, गवर्नमेंट का, और वो जो जो भी कैरी करेगा, जो भी पावर वो कैरी करेगा जो कन्फर उसको दिया गया है, वो गवर्नमेंटल भी हो सकता है और क्वासी गवर्नमेंटल भी हो सकता है। फंक्शन जो हो सकता है गवर्नमेंटल, द फंक्शन मे बी गवर्नमेंटल एंड क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन, ठीक है, तो इसको समझिएगा बस। तो अब आया है सोम प्रकाश रेखी, अब तो सोम प्रकाश रेखी ऐसे नहीं आया, तीन तीन रहा जजमेंट, अब किस ईयर में था, ईयर याद रख लीजिए इसका, ईयर क्या था इसका, संभाग नाइन रेड्डी का विराट यहाँ है एनडीए आरडी सिटी वाला, ये जो राजस्थान आरडी थे ना। सिटी, ईयर क्या है इसका, देखिए पहले सब समझ में आएगा ईयर क्या है, ईयर है 1981। 1981 है आरडी सिटी का, नाइन हाँ जी, इस सोम प्रकाश रेखी देखिए तो प्रकाश रेखी तो इसका है 1975 है ना, सॉरी ये सॉरी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है 1967 का, और जो नाइन, एयरपोर्ट अथॉरिटी दयाराम शेट्टी है 1979 का, सोम प्रकाश रेखी है 1981 का। हाँ 1981 का। हाँ 1981 का सोम प्रकाश रेखी, मतलब कितना बाद में आया, देख रहे हैं, इससे पहले आपको ये सब केस डालना पड़ेगा, बिना आप भाई नहीं, यू कैन नॉट डायरेक्ट जंप ओवर द दिस केस, सोम प्रकाश ब्रो, रेखी इंडिया हाइट बिफोर, दिया गया इस केस। या एग्जैक्टली बिफोर दिस केस वी हैव टू मेंशन आरडी सिटी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस 1979, द यस, इसमें केस क्या बोला था, नेमिज रमन्ना दयाराम सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस। अब इस केस या में देखिए, नाउ आई वांट टू एलिब्रेट दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन इन दिस केस व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द इशू एंड व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ओके। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला इसमें, डायरेक्ट बोला, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इफ अ बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एन अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसमें क्या लिखा है आरडी सिटी वाले में, ठीक है, ये पेज नंबर क्या है, देखिए हम कह रहे हैं कहाँ गया भाई, प्रिंस प्रिंस ब्रो आर यू देयर? पैराग्राफ नंबर, यस या विच पैराग्राफ नंबर बताइए अगर, पैराग्राफ पैराग्राफ? आई एम टॉक आई आई मीन द ऑन द केस मटेरियल ब्रो। सेम ही द पैराग्राफ, या पैराग्राफ नंबर 19। यस, पैराग्राफ नंबर 19 में देखिएगा, यहां जो लिख रखा है यहां से कि कहां से बताएं हम, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है खास, द सुप्रीम कोर्ट कहां है, यहां जा रहा है, सो गाइस आवर डिस्कशन इज ऑन द रिकॉर्डिंग, सो प्लीज मेंटेन देयर या द करेंस। क्वेश्चन इज वेदर द एड्रेस इज द स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल एग्जामिन दिस पोजीशन मोर क्लोजली अ लिटिल लेटर, बट ग्रांटिंग दिस आर्टिकल 19 इज एम्ड एट स्टेट एक्शन, द कंटूर्स ऑफ स्टेट कंसेप्चुअली स्पीकिंग आर लार्जली कन्फाइंड टू आर्टिकल 12, तो वी हैव टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द कॉर्पोरेशन इन सेटिंग ऑफ द एक्ट, तो एनी अथॉरिटी कम टू द पॉइंट नंबर, वन थिंग इज क्लियर, फ्रॉम वन थिंग इज क्लियर, कम कम डाउन, ओके लेट मी अलर्ट दिस पॉइंट लेट एंड क्वाइट। यस या वेट, जस्ट वन थिंग इज क्लियर, फ्रॉम वन थिंग इज क्लियर, वन थिंग इज क्लियर, एनी अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स विद इन द डेफिनेशन, ओके, ओके यस एंड आफ्टर दैट वेदर देर इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहाँ है इसमें दिख नहीं रहा है, You have said, you have read this line recently, right? I'm Any unable to, authority under the control of government of India comes within the definition of a state, Article 12, right? exactly. Wait, wait. I'm just searching the important line. I'm not able to see here any important line from the. मैं previous essay. I'm just saying you from previous essay. Okay.
वेट फॉर दैट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ बॉडी इज एन एजेंसी, कि अगर कोई बॉडी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट है तो इट इज एन अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, तो वेदर इट इज अ स्टेचुअरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी या इवन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। इन दिस केस क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट डेट डाउन द फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेड विद गवर्नमेंट। इस केस में क्या बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ फॉलोइंग टेस्ट है, ठीक है, वो टेस्ट क्या है डिटरमाइन करने के लिए कि सच में जो बॉडी है वो एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट का। देयर इज अ टू वर्ड व्हिच इज यूज्ड हियर, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच वी हैव टू फोकस, ओके, कि व्हाट इज एजेंसी एंड व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि वेदर देयर इज एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द स्टेट एंड इफ सो तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सच असिस्टेंस, कि क्या कोई मतलब आर्थिक कोई सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, स्टेट को, मतलब स्टेट के द्वारा कोई ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, एंड अगर ऐसी दी जाती है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ठीक है, कितना हद तक उसको सपोर्ट किया जाता है, उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका क्या एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटलिटी है गवर्नमेंट का, वो चीज बोला गया। तो वेदर देयर इज एनी अदर फॉर्म ऑफ असिस्टेंस गिवन बाय द स्टेट या कोई और अदर उसका फॉर्म है हेल्प करने का, कोई अलग तरीका है स्टेट के द्वारा, या वेदर इट इज ऑफ द यूजुअल काइंड और इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या यूजुअल काइंड का ही है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का है कुछ। मैनेजमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द कॉर्पोरेशन बाय द स्टेट एंड द नेचर एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रोल, कि मतलब अगर कुछ जो भी कॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेशन है उसको अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है स्टेट के द्वारा, उसका नेचर क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, उसके कंट्रोल का, जो कंट्रोल कर रहा है क्या जा रहा है, उसका क्या है नेचर, और ये तो वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉय स्टेट कॉन्फर्ट या स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली। तो जो भी कॉर्पोरेशन है, बताए ना आपको, जो भी कॉर्पोरेशन आएगा, जैसे कि हम मान के चलिए आपका वो आ गया भेल, या जो हम बताए ONGC, कोई भी कंपनी को ले लीजिए, ठीक है, तो वो क्या है कॉर्पोरेशन जो भी है वो एंजॉय कर पा रहा है, एंजॉय कर रहा है स्टेट कंफर्ट पावर की नहीं, या स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली उसको स्टेटस मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, और वेदर द फंक्शन जो भी कैरी कर रहा है कॉर्पोरेशन के द्वारा आर पब्लिक फंक्शन क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन। तो वो जो भी होना चाहिए ना, वो जो फंक्शन कर रहा है कैरी, वो सच में जो कॉर्पोरेशन कर रहा है, जो भी वो कॉर्पोरेशन जो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, वो पब्लिक फंक्शन होनी चाहिए और वो गवर्नमेंटल फंक्शन के क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पब्लिक फंक्शन के क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसमें ये चीज समझना था हमें कि आरडी सिटी में क्या बोला गया था, इसमें हमको दिखाने की लाइन, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर से ही बता दिए, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर को अगर अगर आप वो निकाल लेंगे ना PDF इस जगह पे, अभी थोड़ा साइड लाइन में बोल रहा हूं, किसी के पास है तो प्लीज शेयर कर दो, आप निकालिए, ये बोलता है पैराग्राफ नंबर 34 के ऊपर में, जस्ट 34 या जस्ट ओपन द पैराग्राफ नंबर 34 एंड द इवा पैराग्राफ, जस्ट इवा पैराग्राफ ऑफ 34 या Q2 फॉर वी या जस्ट रीड द दिस पैराग्राफ द एंड इटैलिक पार्ट द कॉर्पोरेशंस एक्टिंग एज जस्ट इवा ऑफ आर्टिकल 30 ओके या पैराग्राफ नंबर 34 राइट जस्ट इवा द पैराग्राफ 34 द कॉर्पोरेशन जो इटैलिक पार्ट में है ना, वो पैराग्राफ वाला जो पार्ट है उसको पढ़िएगा थोड़ा, वेयर देयर इज इटैलिक पार्ट और इन पैराग्राफ नंबर 34 ब्रो इवा 34 द कॉर्पोरेशन एक्ट ओके ओके लेट मी ओके दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जस्ट मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या ओके लेट्स रीड राइट यस द कॉर्पोरेशंस acting as instrumentality or agency of government would obviously be subject to the same limitations in the field of constitutional and administrative law as government itself, though in the eye of law they would be distinct and independent legal entities. If government acting through its officers is subject to certain constitutional and public instrumentality or agency of corporation should equally be subject to the same limitations. क्या लिखा है इसमें, हाँ वही है कि कोई कॉर्पोरेशन जो अगर एक्ट कर रहा है जो instrumentality or agency of government, वो would obviously be subject to the same limitation in the field of constitutional administrative law, तो उसको भी same दायरे में रखा जाएगा, same footing पर रखा जाएगा, ठीक है ना, क्या किस फील्ड में, constitutional और administrative law दोनों दोनों फील्ड पे, ठीक है, इस तरह की government खुद को देखता है या रखता है, ये है law in the eye of law, ठीक है, तो they would be distinct and independent legal entities,
क्या हो सकते हैं, वे अलग अलग डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन करेगी वो बिल्कुल इसी फील्ड पे करेगी, वो इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के फील्ड पे ही करेगी। इफ गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू इट्स ऑफिसर्स इज सब्जेक्ट टू सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लॉ लिमिटेशन, अगर कुछ भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट जो भी एक्ट करती है थ्रू ऑफिसर्स के थ्रू, वो उसमें सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक क्या होगा, लॉ लिमिटेशन भी रहेगा। इट मस्ट फॉलो फॉर्चरी दैट गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंटल एजेंसी ऑफ द कॉर्पोरेशन शुड इक्वली सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन, कि मतलब जो भी वो फंक्शन करेगी, गवर्नमेंट जो भी एक्ट करेगी थ्रू द अपने इस इंस्ट्रूमेंटलिटी कॉर्पोरेशन से, ठीक है, वो इक्वली क्या होगा, वो बिल्कुल उसका सेम लिमिटेशन ही रहेगा, जो कि एक एक्चुअल गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है, वो अगर किसी इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी के थ्रू अगर कुछ काम करेगी तो द वर्क फंक्शन विल बी द सेम, देर वुड बी नो एनी डिफरेंस बिटवीन द वर्क फंक्शन ऑफ दिस टू बॉडीज। ओके, तो ये चीज को इसको याद रख लीजिएगा, एंड वी हैव टू मेंशन दिस पैराग्राफ इन दिस लाइन, किसमें मेंशन करना होगा हमको, ये है जो केस आपका ये। तो दिस पैराग्राफ द टेस्ट इज लाइक एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी कम फ्रॉम द केस अथॉरिटी केस। और देखिए क्या बोल रहा है जो कॉर्पोरेशन, जो क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा था कि जो दो टेस्ट है एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये केस जो है या अथॉरिटी केस से डिराइव किया गया था या फिर इस ओम प्रकाश रेड्डी वाला से। ये जो लाइन है ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला जो है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग ना आरडी सेट्टी वाला केस, उसमें ये आप समझेंगे चीज को, ठीक ना। देखिए आरडी सेट्टी वाला केस हो गया ना, संभाजी तिवारी वाला केस अगर कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़िए एक बार, प्रतीश भाई आप हो सके ना संभाजी तिवारी वाला केस पढ़िए एक बार। अरे वो दुखी से अरे हाँ संभाजी तिवारी के संभाजी इसमें केस में साइड किया गया है संभाजी तिवारी वाला। संपत्ति तिवारी स्टेट ऑफ मध्य तिवारी लिखते हैं प्रदीप कुमार एट दिस स्टेज इट इज नेसेसरी टू रेफर टू द जजमेंट ऑफ सभाजी तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975 व्हिच वाज डिलीवर्ड बाय द वेरी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच व्हिच डिलीवर्ड द जजमेंट इन सुखदेव सिंह एंड अदर्स ऑन द वेरी सेम डे। इन दिस जजमेंट दिस कोर्ट नोटिसिंग इट्स जजमेंट इन सुखदेव सिंह एंड अदर्स रिजेक्टेड द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर देयर इन दैट काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च व्हिच वाज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वुड कम अंडर द टर्म अदर अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12। कोर्ट डिसमिस द पिटिशन ऑन द ग्राउंड दैट काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डज नॉट हैव अ स्टैट्यूटरी कैरेक्टर लाइक द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल मिला कि नहीं आप, फाइनेंस। वेट 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 प्लीज राहुल, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट केस, इन दिस केस वी कैन गेट आवर दिस सभाजी तिवारी, प्रदीप कुमार विश्वास वाले में ही पैराग्राफ नंबर 18 14 14 पेज नंबर बोलिए पेज नंबर पैराग्राफ 18 पैराग्राफ नंबर 18 अरे पेज नंबर पहले बोलिए मटेरियल सेट पेज नंबर 17 पेज नंबर, तो यहां से मेरे में नहीं मिलेगा ना वहां उनमें, उसमें 21 है मेरा पेज। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस पति तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल पेज नंबर यहां मिला हुआ है पैराग्राफ नंबर 18 में, 18 में। ओके व्हाट इज द हां ये तिवारी वाज डिसाइडेड बाय द बेंच ऑन द सेम डे मार्केट, वी कैन मार्क बोथ केसेस, मतलब राइट बोथ केसेस इन आवर एग्जामिनेशन, सभाजी तिवारी एंड एज वेल एज सुखदीप सिंह, बिकॉज दिस बोथ केसेस आर डिसाइडेड ऑन द सेम, वाज वेल डिसाइडेड ऑन द सेम डे। ओके, बोथ केसेस वाज डिसाइडेड ऑन द सेम डे, सुखदीप सिंह एंड सभाजी तिवारी, तो ओके, तो फाइव जज बेंच, दिस केस वाज ऑफ द फाइव जज बेंच केस। ओके, एंड दिस केस वाज डिसाइडेड इन 1975, इट्स आई थिंक हियर इज नॉट मेंशनड, या या Here is mentioned, bro, on the very first paragraph. Next page. Yeah, here it is mentioned. 1975 during the emergency year, right? Yes, exactly. तो सभाजी तिवारी में क्या था कि इसमें भी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का ही इंटरप्रेट किया गया था, कि जो क्वेश्चन इसमें था क्या आया था इस केस में,
कि वेदर द ओएनजीसी या आईएफसी जो भी है या एलआईसी जो भी है, जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है, जो स्टैच्यू की तरह क्रिएट, क्या याद रखना है, क्रिएटेड बाय स्टैच्यू, ठीक है, क्रिएटेड बाय स्टैच्यू की तरह जो भी क्रिएट किया गया, जो भी पब्लिक, जो भी क्या कॉर्पोरेशन है, देयर अथॉरिटीज एंड देयर फॉर विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो हाँ आएगा, ये सब बताया गया इसमें कि ये सब आएगा, ठीक है। एंड कोर्ट परफॉर्म द डिसीजन ही राजनाथ ऐसी भी, मोहन लाल वाला भी केस था, उसमें भी अफर्म किया गया, ठीक है, इस डिसीजन को कोर्ट ऑल्सो अफर्म्ड इन द केस ऑफ राजस्थान एससीबी वर्सेस ये वाला था, ठीक है। तो इसमें जो बोला गया यहाँ कि द कंटेंशन ऑफ द एम्प्लॉई वाज दैट सीएसआई आईआरईज एन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सीएसआर रूल एंड आर्ग्यूड सो दैट द गवर्नमेंट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ इन ऑल एस्पेक्ट समिशन वाज समव्हाट कर्सरी नेगेटिव बाय दिस कोर्ट ऑन द ग्राउंड। किस कोर्ट पे, किस बेसिस पे उसके इस चीज को, संभाजी तिवारी के इस चीज को वो किया गया था, वो तो दिया हुआ इसमें, लेकिन जो इंपोर्टेंट था ना मेनली वही था जो हम लोग को ये इसमें पढ़ना है, जैसे पीछे पीछे जो है ये पैराग्राफ नंबर 14 में ही जो दिखा है, सुखदेव वर्सेस भगत राम सरदार सिंह रघुवंशी जो है, ठीक है, ये ठीक वाले में, इस पे ज्यादा आपको वो मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। अंडरलाइन दिस, मार्क दिस पॉइंट, 14 पॉइंट, ओके okay. एंड मार्क ऑल्सो इफ इफ इट्स पॉसिबल 12 नंबर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पैराग्राफ नंबर 12, राजस्थान एसएसबी वर्सेस मोहन लाल वाला भी केस था। देखिए थोड़ा इसमें लेंदी है, इसमें केस ही केस भरा है, सबसे बड़ा बात यही है, दिक्कत यही है। आर्टिकल 12 जब पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 13 में जब जाएंगे, 14 15 16 तक पूरा केस है, वो माइन्यूटली पढ़िए, याद रहेगा ऐसा चीज कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान एसीबी द अनदर केस राइट यस इलेक्ट्रिसिटी यस मैम, आल्सो मार्क दिस पैराग्राफ, मार्क इट, डिसीजन ऑफ कंसेशन बेंच ऑफ द कोर्ट इन दिस सेड देयर इज इलस्ट्रेटिव ऑफ दिस नेचर जैसे इलस्ट्रेटिव या तो पहले यही लिखना है केस हम लोग को, राजस्थान ऐसे भी मोहनलाल वाला, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1969 है, पहले लिख देंगे तो सही रहेगा, ठीक है, हाँ कि इसके वो जो केस था ना 1970 समथिंग है था इसीलिए, हाँ तो इसको पहले लिख देगा, इसीलिए हम इसको मार्क किया है, पहले इसको, पहले इसी को लिखेगा। इसमें बोला गया कि क्वेश्चन देयर वाज वेदर द इलेक्ट्रिसिटी है ना, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला केस ना ये। हाँ नहीं, ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला ही है एसीबी के मतलब नहीं मोहन स्टेट लाल इलेक्ट्रिसिटी यही बोर्ड, वही है शायद स्टेट, हाँ वही होगा, हाँ यही केस है वो, तो क्या, तो इसमें क्या बोला गया, देखिए बोला गया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी को बताया गया था इसमें ना कि अदर अथॉरिटी क्या होगी, ना बताया था कि हम कि वो दो पार्ट में बटेगी, गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन काम करती है, ठीक है। तो वही है कि क्वेश्चन वाज वेदर द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व्हिच वाज अ कॉर्पोरेशन, पढ़िएगा इसको एक बार यहां से, From which line? Yes. डिसीजन ऑफ दिस Decision कंस्टिट्यूशन of the constitutional bench of this court in Rajasthan SEB versus Mohanlal 1969 Supreme Court is illustrative of this. The question there was whether the electricity board, which was a corporation constituted under a statute primarily for the purpose of carrying on commercial activities, would come within the definition of a state in Article 12. After the considering the earlier decision, it was said that this decision of the court support our view that expression other authorities in Article 12 will include all constitutional or statutory authorities on whom power are conferred by law. It is not at all material that some of the powers conferred may be for the purpose of carrying on commercial activity. राइट यस तो मेनली इसमें, और ठीक है वहां वही इस चीज को समझना है मेनली, जो आप अगर प्रीवियस में देखेंगे ना, तो वही जो लिखा है इसमें स्टेटमेंट, वही लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ अपेक्स कोर्ट क्या बोला, उन्होंने बोला कि अदर अथॉरिटी को इसमें वाइड तरीके से बताया गया कि अदर अथॉरिटी में क्या क्या आएगा, वाइड एनफ टू इंक्लूड विद इन इट एवरी अथॉरिटी, जो हर एक वो अथॉरिटी जो वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, जो क्रिएटेड बाय स्टैच्यू है, क्रिएटेड बाय स्टैच्यू है फॉर द पर्पस ऑफ क्या, मतलब ऑन विच पावर कन्फर्ड, जिसको पावर दिया गया है वो जो कैरी आउट करने के लिए, गवर्नमेंटल हो या क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन हो, ठीक है, लेकिन जो भी फंक्शनिंग होगा वो टेरिटरी के विदिन होना चाहिए और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भैया जो भी चाहे कॉर्पोरेशन कंस्टिट्यूट अंडर स्टैच्यू प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी, वो कुछ भी करे, मतलब प्राइमरली लेकिन क्या होना चाहिए, जो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कैरी कर रहा है, वो जो कन्फर्ट दिया गया पावर, वो जो होगा वो क्या होगा, वो गवर्नमेंटल भी हो सकता है और क्वासी गवर्नमेंटल, वही चीज है, ठीक है।
तो कम विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12, तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। यहाँ लिखा है ना नीचे भी, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट सपोर्ट अवर व्यू दैट द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी इन आर्टिकल 12 विल इंक्लूड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुरी अथॉरिटीज, है ना, हर एक वो संवैधानिक और जो कानूनी तरीके से जो अथॉरिटी जो पावर दी गई है, ऑन विच हु पावर आर कन्फर्ड बाय लॉ इट इज नॉट ऑल मेटेरियल दैट सम द पावर कन्फर्ड बाय, ये चीज। तो इसके बाद आपको आना है डायरेक्ट पैराग्राफ 14 में, जो सुखदेव सिंह वाला केस है और भगत राम वाला जो केस है, इस केस के बाद ही हम एंट्री करेंगे। संभाजी तिवारी केस के बाद हम जाएंगे, ठीक है, अच्छा, आपके इस केस में सोम प्रकाश रेखी वाले केस में जाएंगे। दो तो केस लिखना है पहले, इसके पहले हाँ दो केस सेट करना है ब्रो, बिल्कुल एक हाँ, सिटी इस बोर्ड वाला और बात एक सुखदेव सिंह वाला। या सुखदेव सिंह वाले में वही बोला गया इसमें कि जो भी होगा आईएफसी है लिखा है ना, आईएफसी ओएनजीसी ये सब जो है एलआईसी विच वे पब्लिक इनकॉर्पोरेशन है, वो स्टैच्यू के द्वारा जो क्रिएट किया गया है वो अथॉरिटी होंगे, वो सब क्या होंगे, वो सब अथॉरिटीज होंगे एंड देयर फॉर विद और इन द ऑल्सो कम डेफिनेशन। ऑन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट साइड। हाँ यस, एंड नीचे लिखा हुआ है कि बट द कम ऑन द पॉइंट बट द बॉडी, यहाँ लिखा है ना इट इज यहाँ ये बट द बॉडी मैजिस्ट्रेट पब्लिक और एसिटरी ड्यूटीज टू बॉडी परफॉर्म टू एंड परफॉर्म, विच ऑन दोज ड्यूटीज एंड कैरीज आउट इट्स ट्रांजैक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक नॉट फॉर द प्राइवेट प्रॉफिट, सच एन अथॉरिटी इज नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम द मेकिंग ए प्रॉफिट फॉर द पब्लिक बेनिफिट। मतलब ये बोला गया कि जो कॉन्सेप्ट है इनजस्टिस, एनरे ने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट पब्लिक अथॉरिटी में क्या आएगा, ठीक है ना, तो ऐसा बॉडी जो कि पब्लिक को स्टैच्यूरी हो परफॉर्म कर रहा है, जो भी ड्यूटी कर रहा है या ट्रांजेक्शन जो भी कर रहा है वो पब्लिक के बेनिफिट में होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कि अपने प्रॉफिट के लिए हम अपना कुछ भी खुद से, अडानी कुछ भी कर रहा है या कोई भी पब्लिक बॉडी या कोई भी कंपनी मान के चलिए कोई कर रहा है पब्लिक के लिए कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि अपना अपना बस अपना डेवलप कर रहा है कंपनी, अपना बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, कोई नेक्सेस ही नहीं है प्राइवेट ये क्या बोलते हैं पब्लिक से, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही लिखा है कि सच एन अथॉरिटी इज नॉट प्रिक्लूडेड, तो ऐसे अथॉरिटी को हटा नहीं दिया जाएगा फ्रॉम मेकिंग अ प्रॉफिट से फॉर द पब्लिक बेनिफिट, कि आप बस पब्लिक बेनिफिट को हटा दे रहे हैं, पब्लिक प्रॉफिट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, पब्लिक का जो बेनिफिट है वो भी होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए भी होना चाहिए। तो इसको चीज था मैंने इससे इंपॉर्टेंट था। और मैथ्यू जस्टिस ने क्या बोला, ये कंक्लूडिंग जजमेंट ये है नीचे मैथ्यू जस्टिस पैराग्राफ 16 में जो है, ठीक है ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ 16 में जो लिखा है ना ये मैम मार्क करवाइए हमको, अंजू सिन्हा मैम, हम जो भी बता रहे हैं अंजू सिन्हा हाँ या ठीक है, आई विल आल्सो मार्क, प्लीज कि टेल मी। स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, जस्ट मार्क दिस लाइन, अ स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, इट कैन ओनली एक्ट थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ नेचुरल ज्यूरिडिक्शन पर्सन, ये जब भी काम काम करेगा तो किसी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या बोलते हैं इसको नेचुरल या ज्यूरिडिक्शन पर्सन के ही थ्रू होगा, कोई आर्टिफिशियल पर्सन कांट रन एनी स्टेट एनी आर्टिस्ट, यस, तो इट ओनली बी एग्जीक्यूटेड स्टेट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड इज ओनली बी रन बाय द नेचुरल और ज्यूरिडिक्शनल पर्सन, देयरफॉर देयर इज नथिंग स्ट्रेंज इन द नोशन ऑफ द स्टेट एक्टिंग थ्रू अ कॉर्पोरेशन एंड मेकिंग इट एन एजेंसी ऑफ सोसाइटी, तो फॉर आइडेंटिफाइंग सच एन एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ 17 मार्क इट, पैराग्राफ 17 वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, या फॉर आइडेंटिफाइंग कि सच एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी को पता करने के लिए, इस एजेंसी को पता करने के लिए तीन प्रोपोंडेंट प्रिंसिपल क्या क्या, फोर इंडिका है प्रोपोंडेंट, फोर इंडिका फोर प्रिंसिपल, व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स, फर्स्ट प्रिंसिपल इज ए फाइंडिंग ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस एन अनयूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज माइट लेड टू वन लेड वन टू कैरेक्टराइज एन ऑपरेशन ऑफ द स्टेट एक्शन, ये है। अदर फैक्टर व्हिच माइट बी डिस्कंसिडर्ड इज वेदर ऑपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शन है कि नहीं, पहला है कि स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फर्स्ट मार्क दिस लाइन, फॉर आइडेंटिफाइंग सच एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ए फाइंडिंग ऑफ द स्टेट स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तक ही बस रखिए ना कोई दिक्कत नहीं, तो अगर नहीं भी करेंगे तो अगर फाइनेंशियल सपोर्ट तक रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि वेदर ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन चल रहा है एजेंसी का या इंस्ट्रूमेंटलिटी का वो इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पब्लिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, सेकंड पॉइंट में पब्लिक फंक्शन, हाईलाइट दिस कीवर्ड, फर्स्ट में पब्लिक स्टेट फंक्शन, यस, फर्स्ट मनीज फर्स्ट में जो है उसमें स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, दूसरे में हो जाएगा इंपोर्टेंट पब्लिक फंक्शन होना चाहिए, तीसरा है कंबिनेशन ऑफ स्टेट एंड द फर्निशिंग ऑफ स्टेट इंपोर्टेंट पब्लिक सर्विस में रिजल्ट इन द कंक्लूजन दैट द ऑपरेशन शुड बी क्लासिफाइड एज स्टेट एजेंसी, ठीक है, तो अगर वो क्लोजली गवर्नमेंटल फंक्शन के ही जो भी काम चलेगा वो होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंटल एजेंसी है, देन इवन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टेट फाइनेंशियल एड माइट बी रेलिवेंट, फिर वहां नहीं देखेंगे कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रेलिवेंट हो जाएगा इन मेकिंग अ फाइंडिंग ऑफ स्टेट एक्शन, सिंपल सा फंडा है कि जो भी काम होना चाहिए वो गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल एक्शन होना चाहिए फंक्शन होना चाहिए, तो ये हम बोलेंगे कि वो इसमें आएगा। तो ये था,
ठीक है, एंड यस फोर्थ वन में क्या अल्टीमेट क्वेश्चन विच इज रिलेवेंट फॉर अवर पर्पस इज वेदर सच अ कॉर्पोरेशन या एनसीओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कैरिंग अ बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। इन अदर वर्ड द क्वेश्चन इज फॉर हुज बेनिफिट वाज द कॉर्पोरेशन कैरिंग ऑन द बिजनेस। किसके बेनिफिट के लिए कॉर्पोरेशन जो है वो बिजनेस चला रही है, तो पब्लिक के लिए क्या होगा, है ना क्वेश्चन इसमें पूछा है ना कि फॉर वी हुज बेनिफिट वाज द कॉर्पोरेशन कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो ये यस सब अगर क्वेश्चन का मुझे आंसर मिलेगा देन वी कैन से दैट द स्टेट और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ एजेंसी इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, देन वी कैन से ना यस द अल्टीमेट क्वेश्चन क्या इज व्हिच इज रेलेवेंट फॉर अ पर्पस इज वेदर सच अ कॉर्पोरेशन इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और कैरिंग ऑन अ बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। देन वी कैन से दैट द बिजनेस व्हिच इज कैरिंग ऑन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। ये है मैन इंपोर्टेंट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आइए सत्यजीत तिवारी में आइए, ये सॉरी किसमें आइए, केस केस का नाम है वही सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उससे पहले अगर हो सके तो आप आ जाइए, मैथ्यू जस्टिस हो गया, ये सब हो गया, मैथ्यू जस्टिस नो मूव टू द पेज नंबर पैराग्राफ नंबर 27, पैराग्राफ नंबर 27, कम ऑन पैराग्राफ नंबर 27, 37 और 27। वेट 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 फॉर अ मोमेंट, रमन्ना हसिया वाला केस, लेकिन देखिए सोम प्रकाश रेखी हम आएंगे उससे पहले, लेकिन एक और केस था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये हासिया ओके अजय हासिया वाला केस, इन व्हिच पैराग्राफ इट वाज गिवन, अजय हासिया वाला केस जो है आपका, लेट मी सर्च अजय हासिया, ए जे वाई क्या अजय हासिया इज पैराग्राफ नंबर 25 आई थिंक सो, या कम कम टू द पैराग्राफ नंबर 20, नो इशू, कम टू द पैराग्राफ नंबर 25, 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जस्ट मार्क इट, 25 ना, या 25, यस आई हैव, या हम वैसे बता देंगे अभी पैराग्राफ इसमें अजय हासिया में क्या बोला गया था। ठीक है देखिए ऐसे लिखेगा ब्रो, सुनेगा मेरा बात, ओके देखिए 6 पॉइंट है ब्रो, हम लोग को लिखना एग्जाम में, ठीक है देखिए आपको ये दिख रहा है, पहले 25 को मार्क कीजिए, 25 को मार्क करते हुए आगे 27 में जो जो मैम कराई, पूरा मार्क करनी है, ओके देखिए 25 को पूरा मार्क कर दीजिए पहले आप, ठीक है पूरा नहीं करना है मार्क, यहाँ तक करना है, क्या बोलते हैं यहाँ तक जो है, क्या बोलते हैं जी, ये रमन्ना वाला है ना आपका, हाँ रमन्ना तक, रमन्ना है ना वो, सिंस बोथ द केसेस द अथॉरिटी इन फैक्ट इन्वॉल्व वाज स्टेचुरी कॉर्पोरेशन फॉर्मड द रेशो डिसेंड आई ऑफ अजय हासिया, है ना यहाँ तक फॉर्मड द रेशो डिसेंड आई ऑफ अजय हासिया, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है इसमें, टेस्ट परफॉर्मेंस से स्टार्ट करके अजय हासिया तक ना, डिसाइडेड डिसिडेंडरी ऑफ अजय हासिया, राइट, पढ़ लेते हैं पहले क्या बोला जा रहा है इसमें कि द टेस्ट जो प्रपॉइंट किया गया था जस्टिस मैथ्यू को द्वारा, ठीक है जस्टिस मैथ्यू ने, हाँ सुदेश सिंह ने जस्टिस मैथ्यू ने बोला था, ठीक है पता है ना क्या बोला था, वो जो स्टेट का डिफिनेशन दिया था, फिर क्या क्या चार प्रपॉइंट दिया था ना इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी के लिए दिखा दिया था, तो वही बोला जा रहा है जो जस्टिस जो मैथ्यू के द्वारा जो टेस्ट जो प्रपॉइंट दिया गया था सुखदेव सिंह में वो एलिब्रेटेड किया गया रमन्ना वाले केस में, जो आरडी सेट्टी वाला केस था उसमें वो एलिब्रेट किया गया और रिफॉर्मुलेट किया गया 2 साल के बाद अजय हासिया वाले केस में, मतलब फिर से जो मैटर है मुद्दा है वो आ गया कोर्ट में, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अजय हासिया वाला केस, अजय हासिया वाला केस इज ऑल्सो 5 जज बेंच, लिख लीजिएगा अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब जो केस था वो भी 5 जज बेंच का केस था। तो हाँ बिकॉज वी कैन से मतलब वी हैव टू नो दैट बोथ द केसेस लेटर ऑन कॉन्ट्राडिक्टरी ऑन देयर ओपिनियंस एंड एट लास्ट बोथ देयर ओपिनियंस कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर, कौन सा केस, संभाजी तिवारी वाला केस भी 5 जज बेंच था, संभाजी तिवारी वाला केस भी था वो 5 जज बेंच था, और अजय हासिया जो बाद में आया केस वो भी क्या हुआ सुखदेव सिंह के बाद पैरेलली तो चल रहा था ना वो, ये क्या बोल रहा संभाजी तिवारी वाला केस, संभाजी तिवारी वाला केस 5 जज का बेंच का था, और जो बाद में 2 साल के बाद जो अजय हासिया वाला केस आया वो भी 5 जज बेंच का केस था, तो बोथ लेटर ऑन क्या हुआ बोथ केसेस कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर ऑन देयर ओपिनियन, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट किया ना तो फाइनल जो डिसीजन आया ना फाइनल डिसीजन वो आया प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 वाला केस में, अच्छा जो केस मेट में है, तो इस तरीके से मैम हम लोग को पढ़ाई की अंजू सिन्हा मैम, तो अंजू सिन्हा मैम को बोलते हैं क्लास अगर हो सके तो आके लीजिएगा, ठीक है कौन सा है प्रदीप कुमार विश्वास वाला केस में आया ना फाइनल, हाँ प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस
उसमें तो से एक एक केस का साइड पहले। किया गया है, दोनों तीनों हाँ, वो है सुनने में केस आया है है। हमारा, इसके बाद वाला केस वही है, सोम प्रकाश रिक्की वाले के बाद, प्रदीप कुमार विश्वास ही है, तो नो इशू, वी विल कम टू दैट केस। बट बिफोर दैट केस, यहाँ देखिए लिखा है ना इसमें, था उसमें कॉन्ट्राडिक्ट किया था, ठीक है, संभाजी तिवारी और ये अजय हसिया वाला केस। चलिए इसमें आते हैं, पैराग्राफ 25 हो गया ना, तो वो है। अब देखिए पैराग्राफ 27 आई है, 37 27। रमन्ना आई एम ऑन 20 27 ब्रो। 27 जस्ट मार्क दिस रमन्ना, मतलब आरडी सेट्टी वाला केस जो है ना, जस्ट रीड इट एंड मार्क इट 27, होल प्रोग्राम या होल पैराग्राफ एंड ट्रांसक्रिप्ट दिस एंड नीचे रमन्ना जो वन। केस, यस हाँ रमन्ना केस वाज नोटेड दैट एंड कोटेड दैट विथ अप्रूवल इन एक्सटेंसो एंड द टेस्ट प्रपाउंडेड फॉर द डिटरमाइनिंग एज व्हेन ए कॉर्पोरेशन कैन बी सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट देयर इन वेयर कॉल्ड क्यूल्ड आउट द समराइज एज फ्लो। दिस आर द समरी ऑफ दिस केस ब्रो। या दिस 6 पॉइंट शुड बी मेंशन इन आवर पेपर, एग्जामिनेशन पेपर में हमारा ये 6 पॉइंट इस केस में आरडी सेट्टी करके, ये 6 केस दिख रहेंगे, नंबर अच्छा आएगा, इसके बिना ये का आंसर अधूरा रहेगा। लिखिए मतलब पढ़िएगा ओके इसको फिर, लेट्स वेरी लेट्स रीड इंपॉर्टेंट। एज फॉलोज। द या समरी ऑफ दिस केस इज लाइक फर्स्ट पॉइंट विच केस वंस आर वी इन रीडिंग? वी आर गोइंग थ्रू द केस ऑफ सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ओके थैंक यू। ऑफ इंडिया 1981। हेलो ब्रो, यू आर टू लेट, यस आई थिंक सो, आई थिंक सो, प्लीज बी ऑन टाइम फॉर द नेक्स्ट टाइम प्रिंस या रंजन। आई सो एम हियर सिंस देयर will be सिंस दैट टाइम। fruitful if you will throughout the whole session. प्रिंस ब्रो यू आर नॉट एंड आई थिंक टुडे यू आर एक्टिव, अदरवाइज यू आर डोमिनेंट फ्रॉम सम डेज। हाँ यू आर इन डोरमेंट मोड, ट्राई टू बी इन एक्टिव मोड ब्रो, बिकॉज यू आर मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट ऑफ आवर डिस्कशन पॉइंट, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट। ओके Yes, that's why I'm emphasizing on him ना। या सो ट्राई So टू let's कंप्लीट अस। continue. Okay. या So the first summary of this case is, यस कंटिन्यू। yeah, one thing is clear that if the entire share capital of the corporation is held by government, it would go a long way towards indicating that the corporation is an instrumentality or agency of the government, right? यस So the इसमें क्या second बोला, point, yeah. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, कि एक चीज क्लियर होगा, गवर्नमेंट जो भी शेयर कैपिटल, जो भी कॉर्पोरेशन, जो भी बॉडी है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के अंदर में जो भी बॉडी वो काम कर रही है, जो भी उसका शेयर कैपिटल है, इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के द्वारा है, रखा गया है, मतलब काम चल किया जा रहा है वो, ठीक है। इट वुड गो अलॉन्ग वे टुवार्ड्स इंडिकेटिंग दैट द कॉर्पोरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी, और वो जो भी करेगी, जो भी वो बताएगी या जो भी वो करेगी, मतलब जो भी एक्ट वो करेगी, वो जो भी कॉर्पोरेशन वो एक्ट करेगी, वो क्या होगा, वो कॉर्पोरेशन को क्या कहा जाएगा, इंस्ट्रूमेंटलिटी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाएगा उसको। कंटिन्यू यस दिस। या द सेकेंड पॉइंट इज वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन इट वुड अफोर्ड सम इंडिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन बीइंग इम्प्रिग्नेटेड विद द गवर्नमेंट कैरेक्टर गवर्नमेंटल कैरेक्टर। हाँ, कि जहाँ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प दी जाएगी स्टेट को, सो मच टू ऑलमोस्ट क्या मीट ऑलमोस्ट इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ कॉर्पोरेशन, कि अगर कुछ भी एक्सपेंडिचर करना है, अगर कुछ भी कॉर्पोरेशन को, ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब उसको एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, तो इट वुड एफर्ट सम इंडिकेशन ऑफ कॉर्पोरेशन बी इम्प्रेगनेटेड। इम्प्रेगनेटेड मीन्स होता है, ठीक है, इम्प्रेगनेटेड, जस्ट आई वॉन्ट टू सी दिस वर्ड, इम्प्रेगनेटेड, इम्प्रेगनेटेड मतलब होता है ना ये गर्भवती, गर्भवती होता है, ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट से हुआ, ठीक है, तो गर्भ मतलब ऐसा मान के चलिए कि उसके अंडर में वो करेगी, जो भी करेगी वो गवर्नमेंट कैरेक्टर के साथ करेगी वो, ठीक है, ये चीज हुआ, कि जो भी होगा इट इट अफोर्ड सम इंडिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन बींग इम्प्रेगनेटेड विद गवर्नमेंटल कैरेक्टर, उसके अंदर गवर्नमेंटल कैरेक्टर ही उससे क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा, ठीक है, ये चीज है। ओके द
Point is, it may also be relevant factor whether the corporation enjoys monopoly status, which is state confirmed or state protected. Monopoly हाँ. status. मोनोपोली बस अपने लिए मतलब नहीं होता है कि अपना काम करने के अधिकार से कि वो रिलेवेंट फैक्टर होगा, हमें देखना होगा कि जो भी कॉर्पोरेशन वो एंजॉय कर रही है मोनोपोली स्टेटस है जो है वो स्टेट कंफर्ड है या स्टेट प्रोटेक्टेड है. ठीक है, स्टेट उसको पावर दी है, ये स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है, स्टेट उसको पावर दी है, स्टेट उसको प्रोटेक्ट करी, ये देखना होगा हमें. ठीक है, कि जो भी उसको मोनोपोली स्टेटस मिला है वो कैसे मिला है. ठीक है, वो चीज Yes. ये चीज देखना होगा. हाँ, और the fourth point is existence of deep and pervasive state control may afford an indication that the corporation is a state agency or instrumentality. जो भी होगा कंट्रोल जो होगा वो एफर्ट इंडिकेशन होगा कॉर्पोरेशन क्या है, स्टेट एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटलिटी है उसको करने के लिए. Yes, the fifth point is that if the functions of the corporation are of public importance and closely related to the government function, governmental function, it would be a relevant factor in classifying the corporation as an instrumentality or agency of the government. वही बस बोला जा रहा है कि यही में देखना है कि जो भी फंक्शन करिए कॉर्पोरेशन वो पब्लिक इंपोर्टेंस का होना चाहिए, हमेशा पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए और गवर्नमेंटल फंक्शन के नेक्सस में होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं कि हम प्राइवेट फंक्शन में कर रहे हैं, अपना बस कंपनी को बूम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं. तो ऐसा ना, कौन सा कंपनी था वो, जैसे कि वो कर रहा था एक टाइम में, एक कंपनी था वो, एक सहारा इंडिया करके था. ठीक है, बहुत ही घाटे में चला गया वो, बैंक था, सॉरी बैंक था वो. ऐसे बहुत ऐसे कंपनी आए हैं जो कि वो जैसे वो था ना जो नीलामी वो हो गया, जैसे कि हमको सबको पता है वो जो भाग गया था नीरव मोदी. ठीक है, या जो भी करके जो भी अपना कर रहा है, तो अपने काम के लिए अगर कोई भी कर रहा है प्रॉफिट के लिए, तो फिर वो नहीं होगा, वो नहीं कहलाएगा इसमें, स्टेट में नहीं आएगा. वो जो भी करेगा वो नेक्सस होना चाहिए, गवर्नमेंटल फंक्शन के नेक्सस में होना चाहिए, और उसको आप उसको क्लासीफाई कर पाओ कि हाँ जो भी कॉर्पोरेशन है वो एज ए इंस्ट्रूमेंटलिटी है या एक एजेंसी है गवर्नमेंट का. ठीक है, ये चीज है जहां आप क्लासीफाई कर पाओ. ठीक है, हाँ वो चीज. लास्ट सिक्स पॉइंट इज specifically if a department of a government is transferred to a corporation, it would be a strong factor supporting of the this inference of the corporation being an instrumentality or agency of the government. हाँ, वो ये बोल रहा है. अच्छा, इसमें समझिएगा, ये चीज वही बोला जा रहा है बार बार, इसमें बोला जा रहा है कि instrumentality और agency of government specifically क्या है. If a department of government इस ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, कि अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई डिपार्टमेंट इसको ट्रांसफर कर दिया गया कॉर्पोरेशन में, पब्लिक कोई यस बॉडी में, तो इट वुड बी अ स्ट्रांग फैक्टर सपोर्टिव ऑफ दिस इन्फ्रेंस, कि वो क्या होगा, एक स्ट्रांग फैक्टर दिखा जाएगा उसमें जो इस इन्फ्रेंस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा होगा ऑफ द कॉर्पोरेशन. की क्या है कि क्या होना है, जो कॉर्पोरेशन है उसको एक टूल की तरह होना चाहिए, जो भी कॉर्पोरेशन वो वर्क कर रही है वो एज अ टूल होना चाहिए, है ना. इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, औजार की तरह, एक साधन की तरह, है ना, एक मीडियम की तरह, कि एज अ गवर्नमेंट का वो एक मीडियम है वो. ठीक है, गवर्नमेंट खुद वो काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, बट वो अपने साइड से एक टूल दी हुई है, मतलब एक डेलीगेट किया हुआ, एक टूल है, एक वेपन है, या एक बोल सकते हैं एक क्या है, रिसोर्स, मोड बोलिए, मोड. ठीक है, औजार जिसको बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिंपल सा फंडा है, तो टूल एक तरह का टूल है जो काम कर रही है, या गवर्नमेंट का वो एक एजेंसी है जिस पर वो काम कर रही है, तो सपोर्टिव होना चाहिए ना, कि उस कंक्लूजन का निकले कि स्ट्रांग फैक्टर का, कि जो भी काम कर रही है वो कॉर्पोरेशन वो इस बेसिस पे ही कर रही है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी यही सब बोल रहा है. डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट वो ट्रांसफर कर दिया गया ये कॉर्पोरेशन में, तो स्ट्रॉन्ग फैक्टर निकलना चाहिए सब, जो सपोर्ट करना चाहिए कंक्लूजन का. क्या कंक्लूजन, कि जो भी कॉर्पोरेशन है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी ही होना चाहिए गवर्नमेंट का, या एजेंसी होना चाहिए गवर्नमेंट का, यही सब बात बोला गया. लेकिन इस चीज को, स्टेटमेंट को पूरा ना एक एक डीप इसका मतलब एक एक लाइन ऐसे याद रखना होगा हम लोग को, यही पूरा 6 पॉइंट आरडीसीटी वाला पूरा लिखना होगा एग्जाम में. ठीक है, अब आता है अजय हादसा वाला केस. अब अजय हादसा वाला केस कहाँ है, तो आप जब आएंगे ये ऑन द सेम डे करके आप पैराग्राफ 30 में जब आइए, आप पैराग्राफ 30 में तो दिख जाएगा आपको क्या है. ऑन द सेम डे द डिसीजन इन अजय हासिया वाज प्रोपाउंडेड प्रोनाउंस द डिसीजन ऑफ द सोम प्रकाश रेखी वसी इन इंडिया, है ना. तो इसके बाद ही आया क्या, अजय हासिया वाला केस. Yet to the reasoning in Ramanna was followed and the Bharat Petroleum Corporation was held to be a state within the enlarged meaning of the Article 12. हाँ, तो देखिए इसी डे को
जो अजयहा प्रोनाउंस हुआ था कि हम डिसीजन, तो सोम प्रकाश रेखी के ही के जस्ट 1881 में है सोम प्रकाश रेखी, तो हाँ इसके बाद आया अजय हाशिया, ठीक है। इसको बार बार कंफ्यूजन हो जाता है हम लोग को। देखिए अजय हाशिया सोम प्रकाश रेखी के बाद आया, वही बोला जा रहा है कि ऑन द सेम डे डिसीजन। थोड़ा डेट का मतलब टाइमिंग का कुछ रहा होगा डिफरेंस, बट जो मैम हम लोग को बताइए वो बताइए कि पहले सोम प्रकाश रेखी आया है उसके बाद आया है अजय हाशिया वाला केस जो खालिद मुजीब वाला था, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंट ये है। पैराग्राफ नंबर कौन सा है आपका? चलो हाँ 40, पैराग्राफ हम्म, नंबर 40 इज इम्पोर्टेंट। 80 40 40 40 ओके या होल पैराग्राफ यस द पिक्चर ऑफ द दैट अल्टीमेटली इमर्जेस इन दैट द टेस्ट फॉर्मुलेटेड इन अजय हांसिया आर नॉट ए रिजिड टेस्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल so that if the a body falls within the may within any of them is it must x hypothesis be considered to be a state within the meaning of article 12 the question in each case would be whether in the light of the cumulative facts as established the body is financially functionally and administratively dominated by or under the control of the state government such control must be particular to the body in question and must be pervasive if this is found then the body is a state within the article 12 on the other hand when the control is merely regulatory whether under the statute or otherwise it would not serve to make the body a state। देखिए इसमें इतना इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ को एकदम पूरा हाईलाइट कर दिया, पूरे हाईलाइट में कर दिया ना अच्छे से। और इसमें हाईलाइट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो है द बॉडी है इज फिनेंशियली फंक्शनली और एडमिन, ये गाइडलाइन जो है थ्री गाइडलाइन वाज एडेड इन अजय हाशिया। तो अजय हाशिया में जो तीन गाइडलाइन जो आया है इसको लिखना होगा कि ये जो इसको डिफाइन किया गया ना, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक जो पिक्चर मिला है कैसे हम लोग इंटरप्रिटेशन देखें, कि सबसे पहले आर डी सेट्टी देखे, उसके बाद सभाजी तिवारी वाला भी केस देखे, फिर चाहे अजय हाशिया में या आर डी सेट्टी का जो जो वो गाइडलाइन था जो छह मेनली जो इम्पोर्टेंट वो सब था पॉइंट, ठीक है, कि कैसे कैसे हम स्टेट को कंसिडर करें कि हाँ ये स्टेट में ऐसे फॉल करेगा कि नहीं करेगा, क्या क्या होगा, ठीक है। और कैसे इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी का जो स्टेट का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम देखे, है ना, कि क्या एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी है या नहीं है। तो इसमें वही बोला गया कि द पिक्चर जो अल्टीमेटली आया उभर के, जो टेस्ट जो आया था उभर के, तो अजय हाशिया में वो आर नॉट अ रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल, कोई रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं था, जो फॉल्स विद इन एनी ऑफ देम इट मस्ट एक्स हाइपोथेसिस बी, ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस तरीके से इसको हाइपोथेसिस मतलब कि इमेजिनरी तरीके से इसको माना गया था कि हाँ ये सब चीज होगा आर्टिकल 12 के अंदर आएगा। लेकिन क्वेश्चन इन ईच केस वुड बी वेदर द लाइट ऑफ द क्यूमुलेटिव फैक्ट, कि लेकिन जो सवाल उठ रहा था वो हर एक केस में एक ही सवाल उठ रहा था कि जो भी है जो भी फैक्ट को जो स्टेब्लिश किया गया वो जो बॉडी है जिस बेसिस पे बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं स्टेट बॉडी जो है, ठीक है, कि वो जो एजेंसी है ये जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है स्टेट का, वो जो बॉडी है वो फिनेंशियली फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय या अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वो इस तीन तरीके से होना चाहिए। फिनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए स्टेट को, फंक्शनली भी गवर्नमेंटल फंक्शन या क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन की तरह वो काम करना चाहिए। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डोमिनेटेड होना चाहिए बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट के अंदर में ही होगा, वो बाय होगा या अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ही होगा, ये चीज को फोकस रखना है। सच कंट्रोल मस्ट बी पार्टिकुलर टू द बॉडी इन क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा जो भी कंट्रोल है वो उसको पार्टिकुलर बॉडी इन क्वेश्चन में रहना चाहिए, मस्ट बी परवेसिव, ठीक है। इसमें मतलब ज्यादा हमें फोकस देने की आवश्यकता है। इफ दिस इज फाउंड देन द बॉडी इज ए स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, ठीक है, ये अगर पाया गया ऐसा कुछ भी कि बॉडी जो है वो एक स्टेट है जो कि आर्टिकल 12 के अंदर फॉल करता है, वेदर कंट्रोल इज नियरली मेरली रेगुलेटरी वेदर अंडर स्टैच्यू और अदरवाइज इट नॉट सब टू मेक द स्टेट, तो वही बोल रहा है कि कंट्रोल जो रेगुलेटरी नहीं होना चाहिए वेदर अंडर स्टैच्यू या अदरवाइज इट नॉट सब टू मेक द बॉडी स्टेट। तो कब बॉडी को स्टेट कहा जाएगा कब बॉडी को स्टेट नहीं कहा जाएगा, दिस पॉइंट शुड बी फोकस्ड एंड द मैन द थ्री पॉइंट विच शुड बी मस्ट बी रिटन इन आवर एग्जामिनेशन पेपर दैट द बॉडी इज फाइनेंशियली फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसको याद कर लीजिए बस, ये है तीन इंपॉर्टेंट लाइन। और इसके बाद हम आते हैं मेनली अजय हाशिया वाला केस में, वही बोला गया था क्या था
कि 1981 का एक केस था, इसमें बोला गया सोसाइटी जो रजिस्टर्ड किया गया है कोई भी स्टेशन एक्ट 1898 में, कि अब वो क्या एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट होगा कि नहीं होगा, और वो जो स्टेट है वो आर्टिकल 12 के अंदर में फॉल करेगा कि नहीं करेगा, जो डेफिनेशन है ठीक है सोसाइटी रजिस्टर्ड था एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंदर में, तो वो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा बात बोला गया था। जस्टिस भगवती थे उसमें जिन्होंने डिटेल अपना अलग अलग फैक्टर बताया था, रेलिवेंट फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए कि जो बॉडी वो है जो है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट है कि नहीं है, तो जो फैक्टर था वो हम लोग देख चुके हैं, छह फैक्टर देखे ना, छह फैक्टर पीछे, छह फैक्टर जो रमन्ना जस्टिस वो जो था रमन्ना सिटी आर डी सिटी वाले केस में जो छह फैक्टर हम लोग देखे ना अभी, वो वन थिंग इज क्लियर करके जो था द एंटायर शेयर्ड कैपिटल कॉर्पोरेशन करके, वो तो मैथ्यू केस मैथ्यू ने बताया था ना, कंक्लूड किया था। देखिए वो जस्टिस मैथ्यू ने नहीं बताया था ब्रो, कंफ्यूज हो रहे हैं आपके। अच्छा कंक्लूड हुआ था वो, समरी समरी था वो बस, आरडी सेट्टी में था वो, छह पॉइंट था जो कि आपको अजय हासा के बाद भी लिख सकते हैं या आरडी सेट्टी के बाद भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ठीक है, लेकिन उसको लिखना होगा आपको। कौन सा पेज में था वो? अब हम आते हैं, देखिए हम पहले बताए थे आपको, नो इशू विल कंक्लूड आई नो दैट पॉइंट, देयर वर सिक्स पॉइंट इन द समरी ऑफ द फॉर द रेलेवेंट फैक्टर व्हिच डिसाइड दैट स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट, या दिस सिक्स पॉइंट, या रमन्ना केस, रमन्ना केस में ना आरडी सेट्टी वाला, तो आरडी सेट्टी के अगर आप उसके अगर अजय हासा के बाद भी अगर सिक्स पॉइंट लिख देंगे ना तो कोई इशू नहीं है ठीक है, अजय हासा के बाद भी अगर लिख देंगे इसको छह पॉइंट को तो कोई इशू नहीं है, तो अगर हो सके तो अजय हासा के बाद ऐसे लिख दीजिए ऊपर में कि फर्स्ट अजय हासा केस उसके बाद ये छह पॉइंट ठीक है। ठीक है अब आते हैं, हम पहले बताए थे कि देखिए संभाजी तिवारी वाला भी केस सेम डे को ही किया गया था डिसाइड, जिस दिन की सोम प्रकाश रेखी को किया गया था, सॉरी अजय हासा को किया गया था ठीक है, अजय हासा को डिसाइड किया गया था जासे वाला केस ठीक है, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ओपिनियन में, दोनों का ओपिनियन अलग अलग था, संभाजी तिवारी का ओपिनियन कुछ अलग था ठीक है, और इसका ओपिनियन अजय हासा वाला केस का कुछ अलग था, तो फिर आया प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ठीक है, ये केस आया प्रदीप कुमार विश्वास वाला केस आया था ठीक है, तो अगर हो सके तो प्रदीप कुमार विश्वास वाला केस, हाँ प्रदीप कुमार विश्वास वाला केस पढ़ना होगा ठीक है, लेट्स कम टू द प्रदीप कुमार केस, और उसमें आप जब देख लेंगे ना स्टार्टिंग में लिखकर भी रखा है उसमें साफ थी कि संभाजी तिवारी बेंच ऑफ फाइव जज बेंच ऑफ द डिनाइड हिम द बेनिफिट ऑफ दैट आर्टिकल बिकॉज़ दे हेल्ड इन दिस, साफ लिख रखा है इसमें अपन द केस प्रदीप कुमार विश्वास, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक सम क्या बोलते हैं ओपिनियन, आर एम आई एबल टू डिलीवर माय कम्युनिकेशन टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू जस्ट पता है इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, आई एम नॉट मच एक्सपीरियंस्ड गाय ठीक है, तो प्रत्युष भाई बताइएगा हेलो, हाँ बोलिए बोलिए क्या हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सब लेक्चर दे रहे हैं बस नहीं समझ में आ रहा है, तो वो रेखी वाला केस पहले नहीं कीजिएगा, तो उसमें रेखी वाले केस में तो बता दिए क्या करना था, वो तो समझ गए, तो रेखी केस का थोड़ा फैक्ट वैक्ट बोल के और खत्म कीजिए कहानी, सोम प्रकाश रेखी वाले केस में यस ब्रो जस्ट ब्रीफ इन ब्रीफ जस्ट गिव फैक्ट ही जस्ट रिलाइड ऑन व्हाट इज द रेशियो एंड डिसीजन नॉट अ ब्रीफ फैक्ट, भारत पेट्रोलियम जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है, वो अथॉरिटी था कि नहीं था पहला, और वो स्टेट के आर्टिकल 12 के जो स्टेट का डेफिनेशन है उसके अंडर वो फॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये था, तो ये थ्री जज का बेंच था इसमें जो केस बोला गया था ठीक है, और थ्री जज का बेंच में जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर थे, चिनप्पा रेड्डी थे, आर एस पाठक जी थे इसमें ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वो स्टेट है कि नहीं, वो विद इन द अंडर द कंपनी एक्ट पता है ना रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इसको किया गया था ठीक है, अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट, तो भारत पेट्रोलियम क्या है कंपनी है ठीक है, इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर में आता है वो, तो वो इन लास्ट मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 में आ जाएगा, तो ऐसे बोला गया कि जो एक्सप्रेशन है अदर अथॉरिटी में पता था कि अदर अथॉरिटी का डेफिनेशन क्या है, कि बस वो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन सिर्फ नहीं वो नॉन स्टेचुरी बॉडी भी हो सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी की तरह होगा या सोसाइटी होगा, ये बॉडी जो उसके नेक्सस होना चाहिए गवर्नमेंट का जो भी वो कर रहा है उसके नेक्सस होना चाहिए
जो भी वो कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी स्टेचुरी और कॉर्पोरेशन है, वो अथॉरिटी है कि नहीं है, जो भी चीज हमको चेक करना है, स्टेट के डेफिनेशन में कॉल करता है कि नहीं करता है, तो जो भी वो वर्क कर रहा है वो एज अ नेक्सस गवर्नमेंट के से उसका नेक्सस है कि नहीं है, ये देखना है। ठीक है, तो इम्पेसिस जो इस पे देखा गया कि ऑज ऑन फंक्शनली प्लस स्टेट कंट्रोल, ठीक है कि वो फंक्शनल तरीके से काम कर रहा है प्लस स्टेट कंट्रोल भी है कि नहीं है, ये देखना है हमको, रेदर दैन द स्टेचुरी कंट्रोल द कॉर्पोरेशन, कि वो अपने उसके जो कॉर्पोरेशन का जो लीगल ड्यूटी है, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वो जो फंक्शन कर रहा है वो गवर्नमेंट के ना उसमें कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, या और स्टेट कंट्रोल उसमें है कि नहीं, स्टेट का उसमें कंट्रोल है कि नहीं, ये देखना है। कि देयर इज नो रीजन टू मेक्स एक्सक्लूजन और ऑन सब, कोई भी ऐसा रीजन हमको नहीं दिखेगा जिसमें कि हम हटा देंगे उस ग्राउंड पे कि लीगल पर्सन, सच दैट द लीगल पर्सन मस्ट बी स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, मस्ट अबाउट टू मेक लॉ, मस्ट स्टेटेड बाय स्टेच्यू, तो कॉर्पोरेशन जो भी स्टेटेड बाय स्टेच्यू, बताए थे भैया आपको बताएं कि और सोसाइटी एंड क्रिएटेड अंडर स्टेच्यू, अलग अलग चीज होता है, जो कंपनी जो स्टेच्यू द्वारा क्रिएटेड बाय स्टेच्यू है, जैसे कौन कौन आ जाएगा इसमें बताइए आपको, ये क्रिएटेड बाय स्टेच्यू, क्रिएटेड ऐसा कॉर्पोरेशन जो स्टेच्यू द्वारा क्रिएट किया गया, वो जैसे कंपनी है या कोई सोसाइटी है जिसको क्रिएट किया गया स्टेच्यू के द्वारा, जैसे कि बताए ना आपको भारत पेट्रोलियम जो ये है आपका, या FCI हो गया, LIC हो गया, ये सब क्रिएटेड बाय स्टेच्यू है, और क्रिएटेड अंडर द स्टेच्यू क्या होता है, जैसे कि ये कौन हो गया आपको एग्जाम्पल अभी बताया हम, कि जैसे कौन सा कंपनी हो गया, सोसाइटी को भी जब देखिए क्रिएटेड अंडर द स्टेच्यू होता है जो रजिस्टर किया जाता है स्टेच्यू एक्ट के अंदर में, जो एक्ट के अंदर में रजिस्टर किया जाता है उसको बोलते हैं अंडर द स्टेच्यू, ठीक है, अंडर द स्टेच्यू किसको बोलते हैं जो एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है, और बाय द स्टेच्यू वो होता है जो कि क्या बोलते हैं उसको, जो कि जिसे बताए ना FCI हो गया, LIC हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, इस चीज को समझिएगा डिफरेंस है इसमें, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना इसमें, ठीक है। तो यस इसमें ब्रो, तो हाँ, तो भारत पेट्रोलियम देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो अंतिम में जो फाइनल डिसीजन आया, हम पढ़ देते हैं, बचा था इसमें लंबा चढ़ाव हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है, कि वो क्या एक लिंब है गवर्नमेंट का, क्या एक लिंब है, एन एजेंसी ऑफ द स्टेट है, बोला गया इसमें बात, बोला गया कोर्ट ने बोला कि हेल्ड BPL टू बी ए लिंब ऑफ गवर्नमेंट एन एजेंसी ऑफ द स्टेट, ए वेरी विकेरियस क्रिएचर ऑफ स्टेच्यू है, क्या विकेरियस है, विकेरियस मतलब क्या होता है बताइए कोई, तो विकेरियस लाइबिलिटी याद है, विकेरियस लाइबिलिटी टॉट का, विकेरियस मतलब होता है कोई अगर एक्ट डेलीगेट किया गया है, ठीक है, विकेरियस तो विकेरियस क्रिएचर है स्टेच्यू का, ठीक है, ऐसा बोला गया इस चीज को, जो ये BPL था भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स होने कारण इसको बोला गया कि फाउंड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट व्हिच क्रिएटेड इट एंड अदर सर्कमस्टेंसेस, कि एक सिर्फ कंपनी नहीं है, इससे ज्यादा है, ये बस एक कंपनी नहीं है, इससे बढ़ के है, क्योंकि ये स्टेचुरी फ्लेवर है, इसमें ऑपरेशन फंक्शन है जो कि पावर एंड ड्यूटी करती है, अपना दिखाती है, और पर्सनैलिटी इटसेल्फ, पर्सनैलिटी इटसेल्फ इसका, और जो भी कर रही है ये क्या कर रही है, इट इज फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट, ये अंगूठे सरकार के अंगूठे पे काम कर रही है, ये जो भी फंक्शन कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव कर रही है, और जो भी कंपनी ये है भारत पेट्रोलियम जो लिमिटेड कंपनी है, सूज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, वो पूरा अपना जूता जमाए हुए है किस पे, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर पे, ठीक है, एंड यूनिक प्रोटेक्शन है इसका, एक इम्यूनिटी है, इसका पावर है ना, ऐसे नहीं कि फालतू कंपनी है कोई, इसका एक अपना यूनिक पहचान है, प्रोटेक्शन इसको दिया जाता है, इम्यूनिटी है, इसका एक पावर है जो स्टेट के द्वारा द्वारा रन होता है। तो ये जो कंक्लूजन में यही आया इसका कि जो जस्टिस अय्यर ने बोला था भारत पेट्रोलियम जो लिमिटेड है उसका क्लोज पैरेलल, मतलब इसको रिलेट किया एयर अथॉरिटी वाला केस से, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस था ना, RDCT वाला केस, उससे इसको लिया गया, लिंक किया गया था इसको, ठीक है, कनेक्ट किया गया इसको, बोला गया कि बस ये एक लाइन छोड़ के कि वो जो था एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला जो केस था RDCT वो क्रिएटेड बाय स्टेच्यू था, जबकि ये जो है वो क्रिएटेड क्या है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एंड क्लॉथ विद राइट्स एंड ड्यूटीज बाय स्टेच्यू, इसमें क्या है कि राइट्स एंड ड्यूटीज दिया गया इसको स्टेच्यू के द्वारा, उसमें बस क्या था कि वो उसको क्रिएट किया गया था स्टेच्यू के द्वारा, ठीक है, और इसमें राइट्स एंड ड्यूटी दिया गया स्टेच्यू के द्वारा, तो ये बोला गया कि पुल्ड आउट मतलब कि निकल टेस्ट, तो अलग अलग टेस्ट भी इसमें लाया गया था जो हम बताया था आपको, टेस्ट RDCT जो 6 पॉइंट नहीं बताया कि वो सब डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है, क्या वो किस तरीके से स्टेट के अंदर टेक्निशियन फॉल कर रहा है, यस तो वो सब इसमें लिख देना है, ठीक है। सो एवरीथिंब क्लियर अबाउट दिस फर्स्ट केस सोम प्रकाश, थैंक यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस।
देखिए, और सोम प्रकाश में रेखी वाला केस हो गया ना, इसको एक बार और इसको समरी कर देंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज थोड़ा बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस आईआईटी, अब हम बता रहे हैं ना इस केस में आइए, क्योंकि सभी चीज सब जो जो है ना लिख लीजिएगा ऐसे सामाजिक, ये जो है केस प्रदीप कुमार विश्वास में आते हैं, ठीक है। प्रदीप कुमार विश्वास वाले केस में आ जाइए, सब देखिए जानते हैं लिंक्ड है सब, और ऐसे नहीं कि मतलब हम लोग को क्वेश्चन क्या फोकस किस पे रखना है, हम लोग को ज्यादा उससे बता रहे हैं ना, सोम प्रकाश रेखी के लिए उससे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ये दो बताए हम जो केस जिस तरीके से बताए उसी तरीके से लिखना पड़ेगा एग्जाम में, उसी तरीके से प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, ऐसा नहीं बता रहे कि हम कुछ अलग बता रहे हैं आपको, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा वैसा ही क्या है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर में? बता रहे हैं ब्रो, पढ़िए ना जैसे हम बता रहे हैं। पर अब प्रदीप कुमार विश्वास वाला भी करिए ना, प्रदीप कुमार विश्वास वाला, प्रदीप कुमार विश्वास देखिए सब क्यों हुआ, कहानी रीजन समझिए ना। देखिए जो सभाजी तिवारी वाला केस था वो 5 जज बेंच का केस था, अजय हासिया वाला भी केस 5 जज का बेंच का केस था, ठीक है। तो दोनों क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया दोनों का जो डिसीजन आया था, ठीक है। तो वो शॉर्टलिस्टेड किया गया इसी केस में, 7 जज का बेंच है, लिख लीजिए 7 जज का बेंच था, प्रदीप कुमार विश्वास कौन सा आया, ये 7 जज का बेंच आया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, 5 जज का बेंच होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, 5 जज का बेंच जो होता है ना। तो ये जो डिसीजन था ना प्रदीप, ये 5 जज का बेंच वो किसको चले गया, ये लोग तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तो केस आ गया 7 जज का बेंच में, जो है आपका प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस आईआईटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2007-2 वाला केस, आइए इसमें जल्दी तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। इसमें लिखा हुआ भी है, पढ़िएगा ये, यहाँ से पढ़िए ना, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि सभी सभाजी, देखिए सभाजी तिवारी 1972 का है, ये जूनियर ओशनोग्राफर था, ये जो काउंसिल ऑफ सीएसआईआर, ठीक है। क्या लिखा है इसमें देखिए, पढ़िए ये लाइन, पढ़िएगा थोड़ा, पढ़िए ना पैराग्राफ पूरा, ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा, तब समझ आएगा इसमें। ओके, जस्टिस रूमा पाल इन फर्स्ट इन 1972 सभजीत तिवारी ए जूनियर स्टेनोग्राफर विद द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर फाइल अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेमिंग पैरिटी ऑफ द रिम्यूनरेशन विद द स्टेनोग्राफर्स हु वर न्यूली रिक्रूटेड टू द सीएसआईआर हिज क्लेम was based on the article 40 of the constitution a bench of 5 judges of this court denied him to benefit of the article because they held in Sabjit Tiwari versus Union of India 1975 that a writ petition was not maintainable against CSIR as it was not a authority within the meaning of article 12 of the constitution द करेक्टनेस ऑफ दिस डिसीजन इज बिफोर अस फॉर द रिकंसिडरेशन उसी का यहाँ पर कंसिडरेशन करने के लिए इस केस में अगेन प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल बायोलॉजी में सभाजीत तिवारी को करेक्ट करने के लिए इस केस को आया किया गया है ना। बिल्कुल, देखिए हम ऐसा करते हैं अभी ना, दुखी से हम भेज रहे हैं एक चीज, ठीक है, कमेंट भेज रहे हैं, आप उसको दिखाइएगा उस पे अपना, तब समझ में आएगा, अभी कंफ्यूजन सबके अंदर में होगा तो कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। भेजिए खाली क्लियर आ जाए बस, मैं आता नहीं है फोन ऐसा, यू में स्विच ऑफ मेरे, मैं शेयर कर देता हूँ तुरंत, 2 मिनट लाइक। यस नो यू में शेयर ऑन दिस गूगल मैप। ओके जस्ट या डाउनलोडेड। देखिए क्या है ना कि हॉचपॉच बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा मेज्ड है, दिस केसेस आफ्टर केस है ना, एंड दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑल दिस केसेस वेरी माइन्यूटली, ओके, बिकॉज देर मस्ट बी सिचुएशन ऑफ कैओस, क्योटिक एक कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू फिर आगे एक वर्ड क्वेटिक, हाँ फिर वन वर्ड कमिंग क्वेटिक,
क्या बोलते क्या, एंड आई लव दिस वर्ड कैविटी नॉइस डिसऑर्डर, इट्स एक्चुअली नाउ क्योंकि आई थिंक दैट पर्स्यूज इज इन डाउट, ओके, बिकॉज ही इज सफरिंग, ही इज कंफ्यूजिंग अमंग दिस केसेस, ओके, विच केस कम बिफोर विच केस कम लेटर ऑन, सो आई थिंक सो दैट वी हैव टू फर्स्ट नो ऑफ ऑल हाईलाइट ऑल दिस केसेस. नो नो डाउट आई हैव रिटन ईयर ऑफ इच केसेस दैट विच केस केम फर्स्ट एंड बट विच आई केस केम जस्ट वन थिंग आई वॉच विच आई वॉन्ट टू शो यू ऑन दी दिस स्क्रीन, जस्ट कैन यू पुट ऑन, या जस्ट इट विल बी या देर इज अ टू स्क्रीन शॉट विच यू मे पुट ऑन दी योर स्क्रीन. या इट्स नाउ विजिबल ना या दिस वन आई हैव एक्सट्रैक्टेड, आई हैव क्लिक्ड दिस फ्रॉम आवर डॉकी ऑफ पेज नंबर 23. यू मे ऑल ओपन योर पहले वाला, पहले या दिस वन कमेंट, रीड दिस कमेंट ब्रो. ओके एम ऑडिबल यस यस यू आर टोटली ऑडिबल, कंप्लीटली ऑडिबल. इन द केस ऑफ अजय हांसिया छपरा द कोर्ट वेंट वन स्टेप फर्दर एंड हेल्ड दैट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कुड आल्सो बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ द टर्म अदर अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस पार्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन अजय हांसिया केस वाज इन इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और वाज सीन एज बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द कोर्ट इन सत्यजीत तिवारी केस व्हिच हैड हेल्ड दैट ए बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द स्टैट्यूट एंड व्हिच वाज नॉट परफॉर्मिंग इंपोर्टेंट स्टेट फंक्शन और व्हिच नॉट under the pervasive control of the state cannot be considered as an instrumentality of the state for the purpose of article 12 देखिए हमको ये पता ना, पहले दो केस को कंफर्म रखिए, सभाजी तिवारी वाला केस इसमें बोल रहा है और अजय हासे वाला केस बोल रहा है. पहले हमको ये बताइए सभाजी सभाजी तिवारी वाला केस क्या था, 5 जज बेंच था वो भी, ठीक है, दिखाए ना इसमें सभाजी तिवारी वाज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, दिखाए ना, दोनों दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही था. पहले सबसे दिमाग में ये बैठाना है हमको, 5 जज बेंच दोनों था, 5 जज बेंच क्या था, दोनों केस 5 जज बेंच का ही था. और जो सभाजी तिवारी का केस था वो कब का था, 1975 का था, ठीक है, और जो अजय हासिया वाला केस वर्सेस खालिद मुजी वाला केस कब आया, 1981 में आया. तो जो दोनों आया ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट था, एक दूसरे को कुछ अलग अलग तरीके से बता रहा था, डिफाइन कर रहा था स्टेट को के अंडर जो वो डेफिनेशंस बता रहा था, या जो बताना चाह रहा है इसमें कि कोर्ट वेंट वन स्टेप फर्दर, मतलब क्या, पहले सभाजीत तिवारी वाला केस आया ना, तो जो जजमेंट इसमें आया था ना उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के बताया गया था, जो ये था अजय हासिया वाला केस में, ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि जो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंदर, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 19, जो भी इसका डिफिनेशन है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, 1898, ठीक है, वो क्या होगा, कुड आल्सो बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ द टर्म अदर अथॉरिटीज, तो उसको आर्टिकल 12 के अदर अथॉरिटीज में डाला गया था, उसको किस चीज को, इसको जो डेफिनेशन है इसका, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट बोला गया और ये टर्म को बोला गया सोसाइटी को, ठीक है, तो ये है, तो दिस पार्ट ऑफ जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड अजय हासिया वाज डॉट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था, डॉट कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया था इसको, ठीक है, जो पहले डिसीजन जो सभाजी तिवारी में बोला गया था, तो सभाजी तिवारी वाली केस में भी क्या बोला गया था कि बॉडी रजिस्टर्ड अंडर स्टैच्यू एंड विच आज नॉट परफॉर्मिंग इंपोर्टेंट स्टेट फंक्शन और विच वाज नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट, इसमें बोला गया कैन नॉट, ऐसा कोई होगा जो परफॉर्म करेगा स्टेट फंक्शन या ऐसा कुछ भी जो प्रोविजन ऑफ द स्टेट होगा उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा कि वो इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट होगा ही Control and आर्टिकल function is 12 के the पर्पस part के लिए, of the state, right? या मतलब सिंपल बोला गया कि देर इज अ टोटल डिनाइल, डिनाइल ऑफ स्टेट, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट, कि ये इसके अंडर फॉल करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, ये टाइप बोल दिया नहीं करेगा, लेकिन बाद में बोला गया जहां से बोला गया या इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12. तो देखिए इस तरीके से जब आप अब डीपली पढ़ेगा ना, एक संभव हम आज हम समरी दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या कुछ कुछ एक आपसे आप ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ ऐसे कुछ डिसीजन था स्टेट के रिगार्डिंग था कि हाँ उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था अजय हासिया, लेकिन उससे पहले सभाजी तिवारी में नेगेटिव आया था डिसीजन और अजय हासिया में पॉजिटिव डिफिनेशन आया, तो दोनों का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट जब हो गया तो दोनों 5 जज का बेंच था. देखिए कॉन्ट्राडिक्ट तभी होगा जब कोई एक सिमिलर कैटेगरी में ही होता है लड़ाई ना, ऐसा नहीं ना कि कोई बड़ा, अब आप कैसे कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे जब एक इक्वल फुटिंग में ही आप बोलेंगे ना,
फाइव जज बेंच, दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही था, फाइव जज का बेंच था, तो अब दोनों डिसीजन जो वो कहाँ चला गया, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, फाइव कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब आ गया सेवन जज बेंच, सेवन जज बेंच का था अजय हासिया वाला, ये प्रदीप कुमार विश्वास वाला जो है ना केस, वो लार्जर बेंच है, सेवन जज का बेंच है, इसमें आ गया डिसीजन। अब पढ़िए प्रदीप कुमार विश्वास वाला क्या है। लाइन नो नो मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीनशॉट व्हिच आई सेंट। इट्स विजिबल ना, प्रदीप कुमार विश्वास आपको भेज रहे हैं अभी ये वाला। इट्स विजिबल हाँ ना, दिस, यस, ओके इज इट विजिबल? आई एम आस्किंग ना ब्रो, इट्स विजिबल और नॉट, टेल मी। या इट इज कंप्लीटली विजिबल ब्रो, कम कम। वेदर सीएसआईआर इज अ स्टेट और नॉट, दिस वाज द केस रिलेटेड टू द इशू ऑफ प्रदीप कुमार विश्वास में जो बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीएसआईआर है वो एस्टिमेटेड ऑफ द स्टेट होगा आर्टिकल 12 के अंदर। पढ़िए ओके, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल बायोलॉजी 2002 सुप्रीम कोर्ट। द फैक्ट ऑफ दिस केस, इन 1972 सब्जीत तिवारी ए जूनियर स्टेनोग्राफर विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर फाइल्ड अ पिटीशन अंडर द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेमिंग पैरिटी ऑफ द रिमुनरेशन विद द स्टेनोग्राफर हु वेयर न्यूली रिक्रूटेड टू द सीएसआईआर। His claim was based on the Article 12 of the Constitution. A five-judge bench of the Supreme Court denied him the benefit of the article because they held that the writ application was not maintainable against CSIR as it was not an authority within the meaning of the Article 12 of the Constitution. The correctness of the said decision, the Sajid Tiwari decision, was raised before the apex court for the reconsideration of this case. The case name is Pradeep Kumar Vishwas versus Union Institute of is case mein reconsideration ke liye laya gaya tha Sajid Tiwari ka jo decision tha, right? The immediate cause of such reconsideration was dismissal of the writ petition, writ application filed by the appellant Pradeep Kumar Vishwas and another in the Kolkata High Court challenging the termination of their services by the respondent Indian Institute of the Chemical Biology, which is a unit of CSIR. The state government, a state court relying on the Sajid Tiwari versus Union of India 1975 Supreme Court held that the writ application was not maintainable against the respondent. Thereafter, the appellant filed an appeal before the Supreme Court by way of a special petition under Article 136. A bench of the two judges referred the matter to the large constitutional bench, being the of the view that the decision in Sajid Tiwari required reconsideration. Having regard to the pronouncement of the court in the several subsequent decisions in respect of several other institutes of similar nature set up by Union of India, there was a issue. The issue is CSIR a state within the meaning of Article 12 of the Constitution? And if it is, should this court reserve the decision which had stood for over a quarter of a century? Reading the decision also? Yes, yes. Yeah, the decision of the case is a seven-judge bench by the majority 5-5:2 held that Council of Scientific and Industrial Research is an instrumentality of the state within the meaning of Article 2 of the Constitution. The court laid down the following parameter for the arguing whether a particular body could be treated as a state of the purpose of the Article 12. For the purpose of the Article 12. So here the rest point of bro parameter. Yeah, I'm just sending you, bro. Yeah. After sending, I will read further. Do you have a look on time, bro? Yeah, I'm just going to sum up this case. But this bro has to go attend the class. Yeah. Wait. Where is no, my IR university. It's your for benefit, na? My first class is at 2:55. Don't worry. Okay, okay. There is no any issue. We can continue in evening also.
या ओके या वी कैन कंटिन्यू इवनिंग, नो इश्यू सर। बताओ सर, आवर महासंग्राम हैज बीन स्टार्टेड, सो देयर वुड बी नो एनी पार्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पीरियड। या व्हेनेवर टिल द कॉमन टाइम अमंग अस यू कैन स्टार्ट, यू कैन चूज दैट टाइम आल्सो। एग्जैक्टली। वेयर इज आई मैन एबल टू Yes, I have sent it. You can send 25 onward. Yeah, I have sent. Right, wait. I have sent it. Yeah. Just give me 1 minute. I will be able to. Yeah. मैं पहले बता रहा था कि इस केस में क्या हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, ठीक है, ये सीएसआर को, ये क्या है आपको पता है कि एक बॉडी है, ठीक है, जो एक जिन्होंने एक जो एक यहाँ का सत्यजीत तिवारी था, इसमें कोई स्टेनोग्राफर था, इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर, उसने एक रिट पिटीशन फाइल कर दिया आर्टिकल 32 के अंदर में, क्लेमिंग करते हुए कि जो रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, वी वर न्यूली रिक्रूटेड टू द सीएसआर, मतलब कि जो भी इसमें जो रिक्रूट किया गया ना, क्या है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में जो भी जिसको भी रिक्रूट किया गया है उसको पैरिटी मिलना चाहिए, मतलब जो भी सैलरीज वगैरह ना उसके इक्वलेंट उसे उतना ही अप्रोप्रिएट सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्लेम वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 5 जज का बेंच ऑलरेडी डिनाई कर दिया था बेनिफिट ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है, बिकॉज द हेड ऑफ द रिट एप्लीकेशन वाज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट सीएसआर। क्यों क्यों मेंटेनेबल नहीं था, एप्लीकेशन वाज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि बोला गया ये अथॉरिटी है ही नहीं, आर्टिकल 12 के अंदर में अथॉरिटी आएगी ही नहीं, तो सो दे कांट क्लेम अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यू आर एबल टू सी ब्रो नेक्स्ट। हां तो फिर वही बोल रहा हूं मैं कि देखिए ऑलरेडी दिस वाज द डिसीजन वाज ऑलरेडी, मतलब द मैटर इज ऑलरेडी इन डिस्प्यूट, ऑलरेडी इन डिस्प्यूट इन सब्यजीत तिवारी, ओके, because there is, he is a reconsideration of the Sabjit Tiwari judgment in the case yeah. this is the case of, this case is mainly based upon the reconsideration of the Sabjit Tiwari case, because the high court which rely on Sabjit Tiwari case held the writ application was not maintainable against the respondent in that case, okay, but the applicant filed an appeal to the supreme court by specially petition SPL le liya jo uska tha applicant, jo applicant tha application, ठीक है, वो रिस्पोंडेंट जो था वो क्या रिस्पोंडेंट के खिलाफ क्या ले लिया, अपीलांट जो था इसमें वो स्पेशली पिटीशन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट अपील कर दिया एसएलपी लेके, और क्या बोला बेंच ऑफ टू जज रेफर द मैटर टू अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, की ये मैटर जो होना चाहिए वो अब लार्जर बेंच में रेफर कर देना चाहिए, ठीक है। तो हैविंग रिगार्ड टू द प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन सेवरल सब्सिक्वेंट डिसीजन इन सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन सिमिलर नेचर टेस्ट बताएं यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही व्हाट वाज द इशू ऑफ दिस केस, इशू ऑफ दिस केस वाज कि काउंसिल साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ए स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड इफ इट इज, अगर ऐसा कुछ भी है तो शुड दिस कोर्ट रिवर्स अ डिसीजन विच हैज स्टूड फॉर ओवर क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी। इतने जो शताब्दी से चला आ रहा है ये जो डिसीजन है ना, उसको क्या कोर्ट रिवर्स कर सकता है कि क्या जो आज तक हम इसको डिसीजन आर्टिकल 12 के अंदर में हम नहीं डाल रहे थे, क्या हम उसको अब डाल सकते हैं, ये बात था। तो सेवन जज का बेंच जो मेजोरिटी आया वो 5:2 में था, और बोला गया कि यस सीएसआईआर इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, कोड लेट डाउन फॉलोइंग पैरामीटर, किस किस पैरामीटर पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेदर पार्टिकुलर बॉडी को ट्रीटेड एज स्टेट फॉर द पर्पस आर्टिकल 12। तो दिस द फर्स्ट प्रिंसिपल पैरामीटर इज प्रिंसिपल लेट डाउन इन अजय हासिया, क्योंकि बोला गया कि अजय हासिया में जो प्रिंसिपल दिया गया था आर नॉट अ रिजिड प्रिंसिपल, दैट आर नॉट अ रिजिड, कोई एक ठोस प्रिंसिपल नहीं है कि उस बेसिस पे हम कंसीडर करेंगे कि हाँ ये बॉडी आर्टिकल 12 के अंदर में फॉल करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। विद इन एनी ऑफ देम इट मस्ट एक्स हाइपोथेसिस बोला गया बी कंसीडर टू बी स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल। द सेकंड पैरामीटर इज कि द क्वेश्चन इन ईच केस, जस्ट रीड इट ब्रो, या द सेकंड पैरामीटर इज द क्वेश्चन इन ईच case will have to be considered on the basis of facts available as the weather in the light of the cumulative facts as established. The body is financially, functionally, administratively dominated by or other control of the state. This team crucial word is very important. Financially, functionally or administratively dominated by or under the control of government.
यस थर्ड पैरामीटर इज सच कंट्रोल मस्ट बी पार्टिकुलर टू द बॉडी इन क्वेश्चन एंड मस्ट बी परसीव. यस मैं पढ़ लेता हूँ पहले कि सेकंड पॉइंट वही बोला गया कि जो क्वेश्चन था इन ईच केस वी हैव टू बी कंसीडर, जो भी सवाल उठ रहे हैं सवालात जो भी उठ रहे हैं इस केस में उसको कंसिडर करना चाहिए उसके फैक्ट्स पे कि वो सच में जो भी फैक्ट्स आ रहा है सब मिलके उसको जो स्टेब्लिश हो रहा है जो भी फैक्ट्स हैं उसके CSIR के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो भी फैक्ट्स बन रहे हैं कि हाँ ये कंडीशन पे आप उसको आया कि नहीं आएगा वो देखना होगा हमको. बॉडी जो है वो फिनेंशियली कर रही है कि नहीं कर रही है काम, फंक्शनली वो कर रही है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी कर रही है वो जो भी कर रही है डोमिनेटेड है वो किसके बाय और अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट, वो सरकार गवर्नमेंट के अंदर में ही कर रही है जो कर रही है. ठीक है जो भी वो एक्ट कर रही है बॉडी वो फाइनेंशियली फंक्शनली एडमिनिस्ट्रेटिव कर रही है. और जो भी थर्ड पॉइंट जो है वो कंट्रोल जो भी कर रही है उस पार्टिकुलर बॉडी का जो भी कंट्रोल है जो भी क्वेश्चन में है कि सवाल में कि हाँ ये कंट्रोल होना चाहिए पार्टिकुलर बॉडी का एंड मस्ट परवेसी मतलब वो फैलाव होना चाहिए उसका. परवेसी मतलब होता है जो विस्तृत है ठीक है जो फैला हुआ है पूरा, ऐसा नहीं कि वो सेंटर एक चीज पे ही कंसेंट्रेटेड है. उसका जो होना चाहिए ना जो भी बॉडी काम कर रही है वो बृहत रूप से कर रही है मतलब पूरे स्टेट में के अंडर में अच्छे तरीके से फैली हुई है पूरा उस जो भी वो कंट्रोल है उसका. ठीक है किसी एक बॉडी मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर एक सेंट्रलाइज नहीं है वो ठीक है मतलब सॉरी कंसेंट्रेटेड नहीं है वो उसका फैला हुआ है पूरा. ये चीज कंट्रोल जो है उसका फैला हुआ है पूरा कंट्रोल. इसका समझिए मतलब क्या है कंट्रोल जो है ना किसी प्राइवेट के लिए नहीं है वो मतलब किसी के प्राइवेट के अंडर में नहीं है वो फैला हुआ है मतलब कंट्रोल जो है ना वो पूरे स्टेट भर में फैला हुआ है पूरा. ये चीज है इसका मतलब परवेसी मतलब वही हुआ. ठीक है तो इफ दिस इज फाउंड अगर ऐसा कुछ भी है तीन चीज पाया जाएगा तो बॉडी जो स्टेट का कहा जाएगा विद इन आर्टिकल 12. ऑन द अदर हैंड व्हेन द कंट्रोल इज मेरी रेगुलेटरी कि जहां कंट्रोल सिर्फ एक रेगुलेटरी नाम भर का होगा कि हाँ चालू चल रहा है बस रेगुलेट कर रहा है बस उसको. ठीक है कि वेदर अंडर स्टैच्यू अंडर स्टैच्यू मतलब कि वो बस रजिस्टर्ड है. अंडर स्टैच्यू मतलब क्या होता है बस वो रजिस्टर्ड है कि किसी एक्ट के अंदर में या अदरवाइज इट वुड नॉट सर्व टू मेक द बॉडी. तो या तो उस तो फिर अलग तरीके से उसे नहीं सर्व नहीं कहा जाएगा टू मेक द बॉडी ऑफ स्टेट कि वो स्टेट का एक बॉडी है वो नहीं कहा जाएगा कि बस वो रेगुलेट है बस रजिस्टर्ड है एक्ट के अंदर में. तो नहीं वो तीन तीन तरीके से होना चाहिए फंक्शनली भी फिनेंशियली भी और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली भी डोमिनेट होना चाहिए कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में और उसका फैलाव होना चाहिए पूरा स्टेट भर में. ठीक है मस्ट परवेसी होना चाहिए सब सब इंपॉर्टेंट है सब लाइन समझिएगा. और अजय हाशिया में बोला रिजिड प्रिंसिपल नहीं है ये सब चीजें. हाँ अब पढ़िए इसको ये बोला था कोर्ट ऑल्सो कंसिडर कंसिडर थोड़ा Which paragraph? Last is the conclusion, na? हाँ conclusion. If this is found that, then the body is a state within the Article 12. On the other hand, when the control is merely regulatory, whether under the statute or otherwise, it would not serve to make the body of a state. The court also considered whether the five-judge decision in Sabjit Tiwari versus Union of India case was correctly decided. In that case, CSIR was held not to be a state under the Article 12 of the Constitution. The court is this case in this case that is Pradeep Kumar Biswas versus what is the case? But the CSIR, na? Yes, yes. Yes, bro. Let me see the citation. CSIR, Indian Institute of the Chemical Biology, not CSIR. Okay. Pradeep Kumar Tiwari was Indian Institute of Chemical Biology. He again examined the constitution of the CSIR and the role of the government in the affair of a CSIR. The court noted that the government plays a vital role in the governmental governing body of CSIR. As Director General, who is ex officio the secretary of CSIR, is appointed by the central government and the members of the council are nominated by the president. And he could also terminate their membership. The Prime Minister is ex officio president of the council. In matter of the finance, major contribution came from the government of India. In case of dissolution of CSIR, any property remaining after the payment of all liabilities shall belong to the government. According to court, overruled the Sabjit Tiwari case and held the CSIR was formed under the Registration of Societies Act 1860. But it is a state under the Article 12 because government has overriding the control over the organization. These are the conclusion of the Kumar Biswas versus Chemical Biology, right? हाँ देखिए वही बोला गया. देखिए उसमें बोला ना साहब कि फाइव जज का मैच में सभाजी तिवारी वाला केस में क्या बोला गया था. बोला गया उसमें बात साहब बोला गया कि वो क्या है इन द सीएसआर नहीं है स्टेट नहीं है. क्या बोला गया उस केस में
क्या बोला गया था कि सीएसआर इज, नहीं हाँ स्टेट नहीं है, सामाजिक कारण ये बोला गया। लेकिन फिर बाद में कोर्ट में क्या बोला, प्रदीप कुमार की विश्वास केस में बाद में एग्जामिन किया गया दोबारा, फिर इस केस में बोला गया कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया, सीएसआईआर का जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन पर देखा गया, और उसमें देखा गया कि गवर्नमेंट का कितना रोल है ना, उस सीएसआईआर का जो भी अफेयर उसमें गवर्नमेंट कितना रोल है, और कोर्ट क्या क्या नोट किया कि गवर्नमेंट जो भी है कितना वाइटल रोल उसमें प्ले कर रही है ना, गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी में, सीएसआईआर का जो भी बॉडी, जो गवर्निंग बॉडी है उसमें गवर्नमेंट का कितना हाथ है, ठीक है। और देखा गया कि जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या है, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी है सीआईएसआर का, जो उसका देखिए डायरेक्टर जनरल जो भी डीजी है ना किसका, एक्स जो भी सीआईएसआर का उसको एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी बुलाता है, ठीक है, जो डीजी होता है उसको, ठीक है, सीआईएसआर का, वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी मेंबर है काउंसिल का वो प्रेसिडेंट ही करता है उसका, जो मेंबर होता है काउंसिल जो होता है सीआईएसआर का, एंड ही कुड ऑल्सो टर्मिनेट द मेंबरशिप, तो प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट भी कर सकता है और टर्मिनेट भी कर सकता है मेंबरशिप को। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है इसमें, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है काउंसिल का, मैटर ऑफ फिनांस में मेजर कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी फिनांस का जो भी मैटर है उसमें उसमें मैक्सिमम जो हाथ है किसका, सरकार का ही हाथ है, ठीक है। तो बोला गया तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, और अगर कोई सीआईएसआर का जो भी कोई भी हटाएगा, मतलब डिसोल्यूट जब होगा, भंग होगा जब, वो एनी प्रॉपर्टी रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज शैल बिलोंग टू गवर्नमेंट, तो जो भी पेमेंट उसके अलावा जो कि उसके प्रॉपर्टी होगा सीआईएसआर का, उसके अलावा जो भी होगा लायबिलिटी, वो सब किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। तो एक्सआर देखा गया, मतलब अल्टीमेटली देखा गया, इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट एवरीथिंग व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सीएसआर इज क्लोजली नेक्सस, इज हैविंग एन कनेक्शन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओवरऑल तो वही है जो सभाजी तिवारी का केस था, एंड कौन सा केस हम देखे थे उसमें, अजय हांसे वाला केस, बोथ केस वाज ओवररूल्ड इन दिस केस, बोथ केस वाज ओवररूल्ड एंड हेल्ड दैट क्या कि हेल्ड, अच्छा ये भी बोला गया कि सीएसआर, हाँ समझ रहे कि अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट अंडर द स्टैच्यू है, लेकिन क्या, लेकिन स्टेट भी है ये अंडर आर्टिकल 2 है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ओवरराइडिंग कंट्रोल, क्योंकि पूरा इसमें, क्योंकि जो भी है इसमें पूरा हाथ गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट क्या एक्रेडिटेड बाय स्टैच्यू भी है ये, है ना। यस ब्रो, तो सो दिस वाज द कंक्लूडेड, सो दिस वाज द कंक्लूजन, एंड वही हमें देखना है कि गवर्नमेंट का कितना हाथ, इसी ये समझिए आप, ये सब चीज से यही समझिएगा। हम एक अभी और समाप्त करेंगे, अभी आपको हम भेजेंगे एक और कंक्लूड कंक्लूजन आपको हम यहाँ से एक बार प्रीवियस ईयर से, इसमें आपको मिल जाएगा। तो प्लीज कंक्लूड दिस केस एंड दुखी रहता, दुखी ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, रखिएगा दुखी का पीडीएफ आपको, दुखी आल्सो इंपॉर्टेंट इन सम इंस्टेंसेस दुखी कैन गिव यू द क्या बोलते हैं वो क्लू हिंट, ठीक है, कि विच विच केस शुड बी मेंशन एंड इन वाच में इन विच मैनर, इन व्हाट मैनर दे कैन बी मेंशनड, ओके, सो दिस शुड बी इन कंसिडरेशन, दिस शुड बी अभी। तो देखिए तो वही देख रहे हैं मैं, तो एट लास्ट वी हैव टू फोकस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, कितना उसमें रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से वो उसका फाइनेंशियली फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्ट अपना वो फॉलो करते हैं, नहीं करते फाइनेंशियली फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली यस फाइनेंशियली फंक्शनली एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड है, अंडर द कंट्रोल तो गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड जो भी कंट्रोल है बॉडी का वो शुड बी परवेसिव, मतलब ठीक है उसका फैलाव होना चाहिए परवेसिव, ठीक है। तो यहां टू मेंशन दिस कीवर्ड्स, एंड हम आते हैं उसमें यही वाला अजय हांसे वाला केस में जो है आपका, हम प्रीवियस ईयर का भेज देते हैं एक बार एट लास्ट वो वाला, ठीक है, और फिर वो कंक्लूडेड हो जाएगा अपना, जस्ट कंक्लूड ब्रो, वी विल कंटिन्यू एट इवनिंग और नाइट नो इशू, या या बिकॉज़ यू हैव टू, इट विल बी एप्लीकेबल लाइक ऑनलाइन मीट फॉर टुडे, 29 तारीख को जा रहे हैं आप, आर यू गोइंग ऑन 29th, आप वी हैव जस्ट फोकस ऑन आवर स्टडी, लेट लेट कंक्लूड आवर स्टडी, अच्छा यू हैव बिजी भाई को गेट इन एवरी एक्टिविटी, Did you, today also FIRB is going on in Moot Court Society. I'm not there because of discussion purpose. And these words doesn't suit because you are already engaged in FILB.